वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय, इतने सारे दिनों बाद जब लाइव शो करने का मौका मिलता है, आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो दिल से खुशी होती है। बहुत सारे दिल के फफोले फोड़ने का दिल करता है, बहुत सारी खुशी की बातें शेयर करने का दिल करता है, और एक सुकून सा मिलता है कि वो आदत जो इतने सालों से डेवलप है, सुबह सुबह सबसे पहले घर में बाकी सब सो रहे होते हैं क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, सबसे पहले आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से मिलने के बाद फिर जाके मैं अपने मियाँ और बच्चों से मिलती हूँ। कभी कभार बच्चे भी उठ जाते हैं सुबह, लेकिन ये जो आदत डेवलप हुई हुई है, ये जब दोबारा से कुछ दिन की छुट्टी के बाद दोबारा से मौका मिलता है मुझे इस आदत को दोबारा से रवा करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही आज भी यही फील हो रहा है कि आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कुछ दो हफ्ते की छुट्टी के बाद मैं लाइव शो कर रही हूँ, आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हूँ, और वो जो दो हफ्ते की पूरी कहानियाँ हैं वो आपको सुनानी है, आपसे दिल की बातें शेयर करनी है। मेरे साथ इन दो हफ्ते में कुछ अच्छी चीज़ भी, अंगूठी गिर गई, अभी तो एक बुरी चीज़ हो गई, कुछ अच्छी चीज़ भी हुई और कुछ बुरी चीज़ भी हुई, वो दोनों चीज़ें आपसे शेयर करनी है। वैसे आज का प्रोग्राम कोई खुशखबरी नहीं मैं सुना रही आपको कि इधर नीला रंग है, इधर गुलाबी रंग है, और कपड़े भी मैंने थोड़े ऐसे पहने में, आप लोगों को लग रहा होगा कि निदा अभी कोई खुशखबरी, मतलब इन कपड़ों में मैं मोटी लग रही हूँ, मोटी हुई भी नहीं हूँ। वो ना अक्सर होता है कि ये पेपलम टाइप कपड़े पहने हुए हैं मैंने, तो वो आप लोग कह रहे हो कि निदा कुछ ज़रूर खुशखबरी सुनाने वाली है, कोई ज़रूर ख़ास बात है कि एक तरफ नीला एक तरफ गुलाबी। मदरहुड पे शो है आज का, ममता के ऊपर शो है, कोई खुशखबरी नहीं है, और माशाल्लाह तीन बच्चे मेरे लिए बहुत हैं, तो आप लोग ये ना समझिएगा अभी कोई बात बताने वाली है। चलें जी, इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूं, ये बताऊं कि दो हफ्ते मैंने किया क्या किया भाई, कहाँ है मेरी तस्वीरें, तस्वीरें दिखाना शुरू करें तो मैं आपको बताना शुरू करूं। जी, इस थकन को उतारने के लिए हमने प्लान किया कि चलें जी चलते हैं कहीं छुट्टी मनाने, तो हम छुट्टी मनाने चले गए टर्की, क्योंकि वही अवेलेबल जगह थी, मुझे कोई ख़ास शुरू में लगती नहीं थी क्योंकि मैं गई थी बलाज के पैदा होने के बाद, तो हम टर्की चले गए। अच्छा जी, थोड़ा ठंडा मौसम और ग्रीनरी, ये मेरी टीम ने ज़रा उथल पुथल कर दी, ये जो तस्वीरें अभी सारी आप देख रहे हैं, ये एक प्रोविंस है टर्की में ट्रैब्जन, वहाँ पे एक शहर है राइजे, एक छोटा सा गांव शहर समझ लें, ये सारी उस जगह की पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही हैं। ये राइजे बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे नॉर्थ एरियाज, टर्की का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है इसे। अच्छा, अभी तस्वीरें रोको तो सही ना, रोको रोको रोको, यहाँ रोको ज़रा, उन तस्वीरों जो पिछली गुजरी हैं उनके बारे में बात करने दो। जो पिछली तस्वीरें गुजरी हैं मैं उनके बारे में बता दूं आपको कि वो ट्रैब्जन राइजे एक जगह है, वहाँ के नॉर्दर्न एरिया है वो टर्की का, जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरिया हुंजा कलाम उशू मरी वगैरह घुरबन वगैरह, उसी तरह वहाँ का ये नॉर्दर्न एरिया और काफ़ी सिमिलर है हमारे नॉर्दर्न एरियाज से, अब मिलता जुलता है, बहुत ग्रीनरी, बहुत ठंडक, बहुत मज़ेदार मौसम था। वो मेरे जो टूर का जो थर्ड पार्ट था वो वहाँ गुजरा था, और जो है वो बहुत ही रिलैक्सिंग, और यासिर और मेरे लिए बहुत अच्छा था। बच्चे कहने लगे क्या बुड्ढों की जगह आ गई, क्या बोरिंग जगह आ गई ग्रीनरी देखने, क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए कुछ ऐसा एडवेंचर नहीं था, मगर हमें बहुत मज़ा आया। हमने सनसेट देखा, सूरज का गुरूब होना, सूरज का तुलू होना, और जो है वो ये सारी चीज़ें देखी हमें, जिस ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव लाती हैं चीज़ें। उसके बाद अगली चीज़ दिखा दें जी, ये हमारा सबसे पहला जो हमारा शुरू हुआ था ट्रिप वो दिखा रहे थे ना, इसके बाद जो पिक्चर थी, आगे जाए हमारा जो सबसे ये हमारा ये है हॉट एयर बलून की पिक्चर। ये कैपेडोशिया है, एक ऐसा शहर जहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, हमारे कोयटा की तरह, हमारे अगर मैं कंपैरिजन करूँ कोयटा में जिस तरह पहाड़ होते हैं, लेकिन इनके पहाड़ों की जो वो एक क्या कहते हैं लुक है वो थोड़ी डिफरेंट है। कैपेडोशिया में ये चीज़ मशहूर है, हॉट एयर बलून्स, सुबह के 4 बजे कॉल टाइम होता है, 6 बजे ये एक साथ सारे हॉट एयर बलून्स उड़ते हैं, और ये एक बास्केट होती है जिस तरह ये आग से गुब्बारा फूलता है इसका, और ये उड़ते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे हॉट एयर बलून नज़र आ रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम, ऐसा लग रहा था मैं मॉर्निंग शो के लिए तैयार हो रही हूँ और जा रही हूँ सुबह सुबह उठ के वेकेशन पे। ये कैपेडोशिया में हॉट एयर बलून राइड बड़ी मशहूर है। अच्छा जी, ये जो है हमने एक दिन जो है विंटेज कार जो है रेंट की, और वहाँ कैपेडोशिया जो टर्की का एक छोटा सा शहर है वहाँ सारा
घूमे फिरे और हैं पिक्चर्स की खत्म हो गई। हाँ ये कैपाडोशिया की पिक्चर्स चल रही हैं। ये हमारी ट्रिप का पहला हिस्सा था जिसमें हमने लाइक बहुत इन्जॉय किया। ये हमारा ट्रिप का पहला जो कहते हैं ना कि पहले हम कैपाडोशिया गए थे फिर हम अंतालिया गए थे। अब आगे बढ़ेंगी पिक्चर्स तो शायद आपको मैं अंतालिया दिखा सकूँ। आगे बढ़ाएं, बस यही है। अच्छा अंतालिया की पिक्चर साइड नहीं होंगी। तो बहरहाल अंतालिया, कैपाडोशिया, ट्रैब्जन ये बड़े अच्छे रहे। वापसी में आए हम इस्तंबुल। तो किसी ने हमें बताया इस्तंबुल में बड़ी चोरियाँ होती हैं। हम कहीं में पाकिस्तान इतना बदनाम है, इस्तंबुल में अपने पर्स का ख्याल रखना, फलाना करना, धमाका करना, ये वो। मैंने जो सारे टूर में मैंने अपनी अंगूठियाँ, मेरे पास 3-4 ही चीज़ें हैं जो मेरे पास पड़ी हुई हैं। मुझे कोई इतना ज्वेलरी का, गोल्ड की ज्वेलरी का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन वो मेरे पास पहली कमाई से मैंने कुछ सालों पहले ख़रीदी थी, डायमंड रिंग्स थी, वो मैं पहन के चली गई कि ये पत्थर मुझे सूट करता है तो चलो 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 चलते हैं। मैं पता नहीं क्या दिमाग था मेरा, मैं उसको पहन के चली गई। और एक पेंडेंट था वो मैंने इस्तंबुल में उतार के एक पाउच में अपने पर्स में छुपा के, वो पर्स मैं होटल के अंदर ही रखती थी, बड़ा पर्स था वो, उसमें डाल के रख दी। 3 दिन 3 रातें हमने इस्तंबुल में गुजारी। जब मैं जिस दिन मैंने आना था, ट्रैवल करना था, जब मैं रात को पैकिंग करने लगी, मैंने कहा ज़रा अंगूठियाँ तो पहनूँ। जब मैंने हाथ डाला अपने पर्स में, पाउच में, तो मेरी 3 हीरे की अंगूठियाँ, एक हीरे का पेंडेंट और उसकी चेन, पाउच पूरा गायब। मैंने तो ऐसे हो गई, मैंने कहा मैं तो बचाने के लिए यहाँ छुपाई थी, पता नहीं क्यों लॉकर में नहीं डाली, पर्स में छुपा दी कि कौन घुसेगा अंदर, सफाई वाले भी आएंगे तो वो सफाई करके चले जाएंगे, अंदर कौन घुसेगा अलमारी में, पर्स खोलेगा, उसकी जिप खोलेगा, वहाँ से निकालेगा। बहरहाल इतनी कंफर्म जिंदगी में मैंने कभी FIR नहीं कटवाई, इतनी कंफर्मेशन कि भाई ये यहीं से निकली है। रात भर, आने से एक रात पहले, रात भर मैं टर्की के थाने में 4 घंटे वेटिंग में रही कि मेरा नंबर आए तो मैं FIR कटवाऊँ। और उस वक्त मुझे दर्द महसूस हुआ कि जब आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है और आप पुलिस जाते हैं और आपके साथ को, आपको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता, आपको ज़बान नहीं आ रही होती, कितना मुश्किल होती है। इतनी अच्छी पूरे टूर गुजरने के बाद, ट्रिप गुजरने के बाद, ये आखिर में मेरे साथ ये हाथ हुआ। होटल था वो टाइटैनिक सिटी तकसिम होटल, जिससे मुझे पहले ही बहुत शिकायतें थी, वहाँ ये सीन मेरे साथ होटल के अंदर हो गया। मैंने कहा हाय, ये तो हमारी तो ज़बान वो होती है कि हम अच्छी बात करेंगे, हम गलत बात, मतलब लाइक हम कहेंगे हमारे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है, ख्याल करें। तो मेरी बहन के साथ भी मोबाइल निकल चुका था पर्स से, तो मैं कॉन्शियस थी और मैंने संभालने के लिए रखी और वो चोरी हो गई। दूसरे दिन सुबह मुझे फ़्लाइट लेनी थी, सारा दिन थाने में गुजरी, FIR कटी और उसके बाद मैं फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान वापस आ गई। अब जो है मैं रिक्वेस्ट ईमेल भेजूंगी टर्किश एम्बेसी को कि वो कुछ कर सके, क्योंकि वो पुलिस पूछगछ कर रही है मगर मैं खुद वहाँ नहीं हूँ। तो जनाब एक बहुत अच्छी चीज़ के साथ मेरे साथ ये हुआ, और ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा FIR कटवाई, तो वो भी पाकिस्तान में नहीं, टर्की में कटवाई। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। मैंने कहा चलो भाई शुक्र है सबकी सेहत अच्छी रही, सफ़र पे यही होता है ना कि किसी की सेहत ना ख़राब हो जाए, कुछ ना हो जाए। और उसके बाद मेरे साथ ये हो गया, बड़ी एक डिप्रेशन, एक दुख, क्या पिक अच्छा ब्रेक है, एक डिप्रेशन, एक दुख। मैं कल आ गई थी, सुबह 4 बजे पहुँची हूँ, फ़्लाइट 6 घंटे डिले, इतना डिप्रेशन डिले, तो मैं सुबह शो ही नहीं कर पाई। तो ना खैर बहरहाल बड़ा अपने आप को कंपोज किया है, क्योंकि एक औरत के लिए उसकी इमोशनल वैल्यूज़ अटैच होती हैं उसकी ज्वेलरी के साथ, और मैं तो फ़ोन के साथ अटैच हो जाती है इमोशनल वैल्यूज़ मेरी, कि उसमें मेरी तस्वीरें थी वो चोरी हो गया तो ये तो ज्वेलरी है। तो बहरहाल फिर एक दुख सहा और उसके बाद अब आपके सामने आपको अपना दुख बयान करी हूँ। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी और आपके साथ ममता वाला शो करेंगे, अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सी शो के साथ मैं अपनी वेकेशंस के बाद की शुरुआत करूँगी, और एक से एक शो, क्योंकि वो ना रिफ्रेश होके आता है जब भी कहीं भी जाए, जब मरी भूत बंद, चाहे अपनी खाला के घर चला जाए, चाहे समंदर पे चला जाए, थोड़ी सी रिफ्रेश होने के बाद आप जब वापस काम पे आते हैं तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ होते हैं, और वही मेरे साथ हुआ है। मैं आपके लिए नए नए आइडियाज़, बहुत मज़े मज़े की बातें, ये सब चीज़ें शेयर करने एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश होके आई हूँ, नहीं जीरो मीटर। तो एक छोटे से वक्फे के बाद बहुत सारा मज़ा सिर्फ और सिर्फ मेरे मैके वालों के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं
हाय हर साल जो मैं कर रही होती हूँ मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ जी कराची किंग्स PSL 2021 जो के मार्च में बाकी जो मैचेस थे वो कोविड की वजह से मार्च में पोस्टपोन हो गए थे और ये अनाउंस हुआ था उसका कि 9 जून से उनकी शुरुआत दोबारा होंगी और उसी तरह 9 जून से 24 जून तक वो बकिया मैचेस चलेंगे और दो मैचेस कराची किंग्स खेल चुका है. आज तीसरा मैच है पेशावर जलमी के साथ रात 11 बजे कराची किंग्स का और हम सपोर्ट करते हैं कराची किंग्स को और दुआ करते हैं कि वो अपना रास्ता जीत की तरफ एक दफ़ा फिर बढ़ा सके क्योंकि पिछले साल के विनर्स माशाल्लाह से वही हैं और इस दफ़ा भी हम यही दुआ करते हैं कि वो अपनी जीत का रास्ता खुद अपने मैचेस के थ्रू बना सकें. साथ साथ मीडिया ये फ़र्ज बनता है बताना कि कराची किंग्स को सपोर्ट एक तो पब्लिक तो कर ही रही है लेकिन साथ साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी हैं जो कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके नाम हैं कुछ यूँ. ARY लगुना स्पॉन्सर है, टाइटेनियम स्पॉन्सर, फिर हाशमी स्पगोल जो है फिटनेस पार्टनर है, ऑफिशियल फिटनेस पार्टनर, पेप्सी जो है वो ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, मी ME बॉडी स्प्रे गोल्ड स्पॉन्सर है, GFC बिल्डर एंड डेवलपर्स गोल्ड स्पॉन्सर हैं, मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है, इम्तियाज सुपरमार्केट पार्टनर है, एपिक एनर्जाइजर पार्टनर है, सिटी मोटरसाइकिल जर्नी पार्टनर है, वीटा बिक्स न्यूट्रिशन पार्टनर है, हिमानी लाइफस्टाइल पार्टनर है, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ट्रैवल पार्टनर है. अच्छा जी ये तो हो गए हमारे स्पॉन्सर्स और आ जाएं अब प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ. जी हाँ क्या होता है जब हमारी शादी होती है उसके बाद कुछ महीने बाद बड़ी बुज़ुर्ग जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं जो हमें बहुत अजीज़ होती हैं जिनसे हमें बड़ा प्यार होता है जिनकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं जिनकी हम वो 4 है और ये 2 है 3 है ठीक है इधर शिफ्ट हो जाती हूँ तो वो क्या होता है ज़रा ज़रा सा मतलब पुराने ज़माने की एक रस्म चली आ रही है. अगर लड़कियाँ इसे माइंड करती हैं तो वो बहुत गलत करती हैं उन्हें माइंड नहीं करना चाहिए. बड़ी बुज़ुर्ग हमेशा पूछती हैं हाँ बच्ची कोई खुशखबरी कब सुना रही हो. तो ये एक सर्टन एज में शायद मैं भी जब वहाँ पहुँचूंगी तो मैं भी अपनी बहू से या बेटी से या जो मेरी इर्द गिर्द की छोटी बच्चियाँ होंगी इनकी नई शादी होगी शायद हम लोग भी वही चीज़ करेंगे. तो हमें माइंड नहीं करना चाहिए ये वाले सवाल शुरू हो जाते हैं. कुछ लोग इसे बहुत माइंड भी करते हैं भाई इनको क्या पड़ी है लेकिन वो बुज़ुर्ग हैं अपनी मोहब्बत में अपने प्यार में वो इसी तरह के सवाल करते हैं. और उसके बाद जब खुशखबरी का पता चलता है कि जी कोई खुशखबरी आने वाली है तो घर में एक बहुत खूबसूरत माहौल बन जाता है कि हाँ जी नन्ना मुन्ना मेहमान आ रहा है. लेकिन उस मेहमान के आने के बाद जो यादें आपकी डिवेलप होती हैं वो आपकी ज़िंदगी की गोल्डन मेमोरीज होती हैं. वो शादी की यादें हैं वो सारी यादें उनसे बढ़कर ये वाली मेमोरीज होती हैं जो एक माँ अपने बच्चे का पहला कदम अपने बच्चे का पहला दांत निकलना अपने बच्चे के पहला पेट में दर्द ये भूल ही नहीं सकती. अगर आज माँ आप मुझसे पूछेंगी मेरे पहला बच्चा जो कि माशाल्लाह काफ़ी साल पहले पैदा हुआ मैंने बताया कितने साल पहले और फिर तीसरा बच्चा जो कि अभी 6 साल पहले पैदा हुआ मुझे इन सब की एक एक माइलस्टोन्स एक एक बातें याद हैं. और इसी तरह मेरी तरह बहुत सारी माएँ आज सेलिब्रिटी माएँ जिनको आप बहुत पसंद करते हैं ड्रामों में शोज़ में उनके पास भी ये सारे माइलस्टोन्स अपने बच्चों की यादें दिमाग में जमा हैं. कुछ नई माएँ हैं तो शायद वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हैं पहले बच्चे पे उनको तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी मिसाल देती हूँ तो पहले दूसरे तो मेरे बस किसी तरह लर्निंग प्रोसेस में पल गए लेकिन तीसरे पले में मुझे इतना एक्सपीरियंस था कि ना मुझे किसी की राय की ना मशवरे की ज़रूरत थी क्योंकि मैं खुद ही नानी दादी पप्पी खाला चाची वो सारे मशवरे देने वाली बन चुकी थी मॉर्निंग शो कर करके एक्सपर्ट से राय ले लेके. तो आइए एक बहुत प्यारा शो जो आपके बच्चों की बचपन उस याद में टॉडलर याद में ले जाएगा जब आप वो नहीं खाते थे तो आपकी भूख भी उड़ जाती थी जब वो रो रहे होते थे तो आप भी रो रही होती थी क्या हुआ है कहाँ दर्द है कैसे पता लगाऊं. ये सारे सवाल आज आपके फ्लैशबैक की तरह दिमाग में घूमेंगे. आइए जी मैं अपने गेस्ट जो लिस्ट है उनको दावत देती हूँ जो कि तकरीबन अभी मेरे पास दो गेस्ट ऐसी हैं जो जो एक बच्चे की माँ हैं अभी
लेकिन दो गेस्ट ऐसी हैं जो इनके एक्सपीरियंसेस दो बच्चे से ज़्यादा हैं, एक चार बच्चों की माँ है और एक दो बच्चों की माँ है और दो एक एक बच्चे की माँ। आइए वेलकम करते हैं सना अस्करी, उरुसा सिद्दीकी एंड मदिया रिज़वी। नादिया लेट है आज भी। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है ये पतली लड़की? मैं तो नहीं जानती। सामने की लड़की कौन है? स्पॉटो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मिले सबको बुला के एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। मैं पीछे थी। मेरे लिए क्यों इंटरेस्टिंग? क्योंकि मैं माओ से मिल रही हूँ। अल्लाह। तो मैं मतलब मैं खुद भी हूँ लेकिन मुझे यकीन नहीं आता क्योंकि हमजा को देखे ओ यू भी पैदा हो चुका हूँ। अचानक भी आप काम में मगन होते हो और अचानक आवाज आए ना तो मैं ओ यस यस यस। तो अभी बहुत सारी चीजें ये पूछ से पूछ रहे थे ना कि आप बच्चों को क्या खिलाती, तो सब ना धुंधला हो गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और सुबह जब हमारा ट्रेस बन रहे थे तो जब मैंने बनाना देखे मैंने कहा वो तो ये तो बचपन सबसे पहली खुराक है, उसने खा ली थी तो मैंने क्यों नहीं लिखा। सो नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड। ये सब देख के ना मुझे बहुत सारी चीजें गोइंग बैक टू दैट लाइफ अगेन। अच्छा ये सारी वही है जिनसे मैं कभी फैशन की मेकअप की बात कभी एक्टिंग की बातें क्या करती थी और अब मैं इनसे लाइक नादिया से तो मैं करती हूं। वो तो इतनी बातें की तो हमको हम सीख भी गए। और आज हम बच्चे की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, उनकी छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे, उससे शायद हमारी किसी भी बात से आपकी लर्निंग हो सके। जो माँ बनने वाली हैं या बन चुकी हैं या अगली दफा बनेंगी तो शायद वो इन बातों का ख्याल रखें जो हमने नहीं रखी, हमने बेवकूफियां की खुद ही सीखा, खुद ही किया। हम तो अभी भी कर रहे हैं बेवकूफियां। तभी तो आप जैसे शो में प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। नादिया और मैं जो है ना वो तो भुगत चुके हैं। आप लोगों के पास जिंदगी है, आप तीनों का मुझे नहीं पता आगे जब मैं अगले शो में कोशिश कर रही है कहने की। दुआ दे रही है, ये दुआ दे रही है, ये मॉडर्न दुआ है कि हम लोग तो भाई अब पाल रहे हैं। अब हम शायद आगे चल के इंशाल्लाह अपने बच्चों के बच्चे देखेंगे इंशाल्लाह। अब आप लोगों की बारी है कि आपने आगे अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना है, क्या करना है। तो शुरुआत मैं करती हूँ सना से क्योंकि तुम इससे सीनियर हो है ना। और लेकिन आप बच्चा आपके दो है ना? हाँ, मेरे दो हैं। सीनियर तो नहीं, नहीं नहीं मतलब सीनियर मैं हूँ बच्चों का। सबसे सीनियर मैं सबसे छोटी। मैं बिल्कुल सीखना चाहूंगी क्योंकि मैं फ्रीक आउट हुई हूँ। मैं बहुत सच में एक्साइटेड हूँ। अब तो तुम्हारा बेबी काफी बड़ा। हाँ माशरी 3 इयर्स हुआ लेकिन अभी तो छोटा। लेकिन ये लगता है जैसे कल ही पैदा हुआ था और अभी तक कोई क्लू नहीं। नादिया एक सबसे बड़ी चीज जैसे बच्चे पैदा होने के बाद ना औरत अपने आप को छोड़ देती है, बहुत सारी नहीं छोड़ती, दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाती है। ये लड़की अपने शेप से भी कम वापस आ गई। तो बच्चों से पहले से ही वेट था। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब वही मैं कह रही हूँ बच्चे से पहले जो शेप था उससे भी कम हो गई है। अस्मा अस्मा जी जो है वही कहती है कि तुम्हें तो बच्चा पैदा सूट कर गया ना बच्चा। मैंने कहा हमें पहले पता होता तुम तो एक और कर लो फौरन। फिर उरुसा नजर नहीं आएगी। आई थिंक अल्लाह ने इसलिए कम करा सो दैट मैं मोटापे को उसको उतना ओबेसिटी को हम कुछ नहीं कह रहे लेकिन कभी कभार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप ओबीस हैं तो शायद आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो या बच्चा पैदा करने में मुश्किल हो, तो वो वाली चीज़ हेल्दी है। और उरुसा ने ये प्रूव करके दिखाया है कि उसने अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम किया कि उस वेट पे मैंने कंसीव किया। क्योंकि जिस दिन से पैदा हुए जब से शादी हुई, शादी से भी पहले सबसे पता यही था कि जब आप ओबीस होते हैं तो कंसीव करने में मुश्किल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये करम किया, इतनी हमारी औकात है जितना वो नवाज देता है। बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इजी होके घूमती फिरूं। आई नीड टू बी मोर केयरफुल। और हमजा माशाल्लाह क्योंकि बड़ा हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ और वो बड़ा हो रहा है तो कैसे भागूंगी उसके पीछे। वो तो करके निकल जाता है और मैं यूं ही रहता हूं कि हुआ क्या था। तो जितनी देर में मैं उठूंगी वो तो निकल चुका होगा। मैं तो टेंशन में आ जाती हूं। बहुत भगाता है। आप कहें तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। हां ये भी अच्छा बात है। बिल्कुल हो सकता है। सॉरी सॉरी
जैसे आप लोग कहें, जैसे आप दिस इज माय पोजीशन. ओके तो हम शुरू करते हैं तुमसे सना. ओके ठीक है. सना की हमजा नहीं हमजा तो उसका है सना की. नायल जो है वो शादी के कितने सालों बाद? 7 years. माशाल्लाह 7 years बाद नायल जो है वो इस दुनिया में. तो सना जो है उनको 7 साल तक क्या थोड़ी बेयर करनी पड़ी बातें? हाई खुशखबरी कब सुना रही हो? नहीं मैं इग्नोर करती थी. नहीं आई वॉज टू बिजी इन माई ओन लाइफ. काम मैं ट्रैवल कर रही थी, मजा कर रही थी, काम कर रही थी. छोटी सी उम्र में तुम्हारी शादी? तो बस आई वॉज 19. अच्छा तो उसके बाद जो है फिर डिसाइड किया कि नहीं यार अभी हाई टाइम. अब क्रेविंग हो रही है औलाद की. ये नायल की पिक्चर है. ये नायल है. क्यूट बॉय, क्यूट माशाल्लाह. अच्छा तो अब नायल आपकी गोद में आ गए. अब मैं प्रेगनेंसी का नहीं पूछ रही, मैं नायल के आने के बारे में बात करूँ. अब नायल आपके हाथ में सही सलामत, मतलब लाइक कि कोई ऑपरेशन या कुछ? मैं ऑपरेटेड था. अच्छा. और मैंने देखते ही मैंने कहा या अल्लाह ये तो एवटार का बच्चा पैदा हो गया. ही वाज ब्लू क्योंकि काफी देर से मैं घर में गॉड वाई थी ब्लू. और मैंने डॉक्टर को मैंने कहा ये क्या एवटार है ये तो. उसके बाद कहती नहीं नहीं रिलैक्स ही विल बी फाइन. हां घंटे डेढ़ बाद जब वो आया मैंने कहा यार ये तो सही है, किसी इंसान के लिए. देन आई वाज लाइक गॉड अब इसको संभालना कैसे है क्योंकि यू नो काफी सारी इनिशियली आती है. एज ए डॉक्टर में नादिया क्यों ब्लू लाइक वजह? आई थिंक ये थोड़ा सा एट टाइम्स यू नो लाइक मे बी इट वाज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और समथिंग. यस अच्छा. बी ग्रेट खाना तो तुम मस्त किस्म का. मेरी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि आई हैड नो पेन्स एंड आई वाज होम तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है. एंड देन व्हेन आई रियलाइज कि गड़बड़ हो रही है देन आई रश टू द हॉस्पिटल. एंड शी वाज लाइक काफी देर से तुम बैठी हुई हो एंड देन यू नो दे ट्राइड गिविंग द फेक पेन्स एंड ऑल तो इट डिडंट वर्क. तो फिर उन्हें सी सेक्शन कर दिया. अच्छा अब जब नाइल आपके हाथ में आ गए कुछ प्रैक्टिस की भी थी लड़की ने कि भाई इसको क्या करना है, कैसे संभालना है? नॉट एट ऑल. नहीं कुछ भी नहीं पता था. रॉ बिल्कुल रॉ. और तैयारी नहीं की हुई थी कोई? होता है मम्मा तैयारी नहीं कुछ भी नहीं. अच्छा कुछ भी नहीं. कुछ पढ़ते भी हैं गूगल से कि भाई? नहीं नहीं गूगल डॉक्टर मैं बहुत बड़ी हूँ. अच्छा मुझे बहुत डांट पड़ती है. हाँ क्योंकि मैं खांसी को भी ना कुछ भी बना सकती हूँ गूगल करके. अच्छा माय हस्बैंड बोले तुम गूगल नहीं करोगी कुछ. अच्छा तो फिर आई स्टॉप यू नो. अच्छा क्योंकि मेरी बड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेगनेंसी थी. कोई वॉमिटिंग नहीं, कोई सिकनेस नहीं, कुछ भी. तो सना जब नाइल पर अब नाइल जो है उसको फीड कराने के बाद दूध पिलाने के बाद अब खाने की प्रोसेस में आते हैं वो क्रैम्स पेट ये वो सारे क्या थे? तो अच्छा बिकॉज ही वाज ऑन माय फीड मोस्ट ऑफ द टाइम. तो उसको पहले तो मैंने कॉम्बिनेशन फीड पे डाला कि अच्छा. रात को जाहिर है वो बड़ा हो रहा था उसकी खुराक बढ़ रही थी. जब वो खाने पे आया तो हम मेरे स्पेशली ससुराल में ये है कि सब खिला दो. अच्छा और वो फिर एक चटोरा बच्चा है. वो लिटरली एक चटोरा बच्चा है. चलो आप बिरयानी चखो और नहारी खा लो बिरयानी चटा दो. और वो 6 महीने से उसकी यही रूटीन है. एंड ही इज अ वेजिटेरियन बाय बर्थ. ओह मैं सब्जी बिल्कुल नहीं खाती. वो एक टोटल वेजिटेरियन है. ओए ओए हां मतलब टिंडे ब्लॉकी यू नेम इट ही ईट्स इट. आई एम लाइक यक. हाँ. तो मैं होती थी यार क्या बकवास है, क्या बच्चा पैदा किया. वो कोई गोरा खाना नहीं खाता उसको. हाँ. सालन रोटी चाहिए अपनी. हाँ, हाँ. और इनिशियली उसको वही खिचड़ी साबुदाना देन देयर वाज बनाना. हाँ. और क्या था? हाँ ये सब रखी थी चीजें. सूजी सूजी दूध दलिया. यस सूजी दलिया मैश पोटेटोज. यस अजवाइन तो मैं जब फीड कराती थी तब फाँकती थी. बड़े कहते हैं ना कि इट्स गुड यू नो व्हेन यू आर फीडिंग. तो अजवाइन फाँकती थी. और जैम ब्रेड तो बहुत बाद में आई थी लेकिन वो माशाल्लाह बचपन से चटोरा टाइप. अच्छा उसको देसी खाने खाएं. आलू के पराठे दे दें आप उसको. नो स्पगेटी नो पास्ता नॉट एट ऑल अ गोरा बच्चा. और रातों में कितना जगाया है कौन? नॉट एट ऑल. डेट वो बच्चा 8:30 सो जाता है. ओ, हमेशा लेकिन सुबह 7:30 और दांतों ने उसके दांते अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई माशाल्लाह क्रैंकी हो रहे हैं ड्रूल कर रहे नहीं कोई सीने नो बुखार कोई वैक्सीनेशन पे कभी कोई फीवर नहीं. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐसा तंग नहीं किया लेकिन दिल से बड़ा तंग. अच्छा He is very hyper. Oh, okay. अच्छा, मैंने हमेशा जैसे लाइक नादिया का जो अभी लास्ट वाला बेबी है वो मेरे सामने ही पैदा होता है. जब मैं मॉर्निंग शो कर रही थी हमारे सामने ही वो बड़ा हुआ है. हम आगे पीछे ही बलाज और शेरदा सबके एक जैसे नाम है ना. मतलब मैंने नादिया को बड़ा एक ऐसी माँ देखा कि कंपोज्ड माँ. हो जाएगा
कर लेंगे, मतलब मैं कहती थी इतने सारे कामों के बाद चौथा बच्चा है वो कैसे संभालती, तो मैं बड़ा इसको आइडियलाइज करती थी कि ये इतना फिनिकी नहीं होती थी जैसे और माओ को मैंने देखा हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो मैं फिनिकी। तो मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो मैं नादिया की कहानी सुनना चाहूँगी कि क्या ये जो अभी चौथे बच्चे में इतनी रिलैक्स हो गई थी या पहले में ही ऐसी थी और उसका क्या राज है, ये सारी बातें आप जान सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास बहुत ही प्यारी सी माएँ हैं जो अपनी अपनी कहानी, किसी की दुख भरी भी होती है, किसी की दर्द भरी भी होती है, किसी की बहुत दुख मजे की भी होती है दुख भरी कहानी आपके साथ शेयर करेंगी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि नादिया को जिस तरह मैंने कंपोज देखा एज माँ तो मैं बड़ी इंस्पायर हुई, और आज खास तौर पे इंस्पिरेशन के लिए जो टिप्स हैं वो मैंने नादिया से पूछने के लिए, मैंने कहा भाई अगला सेगमेंट नादिया के साथ करें। वो तो हमारी दुख भरी दास्तान है भाई। अच्छा नादिया, शेरदिल शेरदाद की वक्त तुम जिस तरह कंपोज थी, क्या जो बड़ा वाला उसका नाम है शादल, शादल शादल साशा शान से नहीं, अभी ना एक मिनट, एक दफा सारे बच्चों को ऊपर से नीचे तक एक साथ आप खुद नाम शादल शानजे साशा शेरदाद। अच्छा आप तीसरी है, अब जो तुम्हारा पहले वाला बेटा है दिखाओ, सबकी पिक्चर्स भी दिखाओ, देखे सब फोटो कॉपी है ना, मियां बीवी भी मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं। अब तो खैर ये काफी पुरानी तस्वीर है मुझे लगता है। हाँ अब थोड़े थोड़े और बड़े हो, हाँ हाँ अब मुझसे लंबे हो गए निकाल सकते थे, सी मैंने भेजी नहीं थी मैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको माशाल्लाह। हाँ। तो नादिया क्या तुम पहले बच्चे में भी इतनी ही कंपोज और इतनी समझदार थी? नहीं बिल्कुल भी, क्या तुमने क्या क्या गलतियाँ की? एक तो मैं खाने पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती थी क्योंकि मेरा जो बेबी था ना वो बहुत ज्यादा स्किनी था। अच्छा। और मतलब मुझे लगता था यू नो कि ये अगर मैं इसको खाना नहीं खिलाऊंगी ना तो बस ये पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, अच्छा। मतलब कि एक वो इवन दो ही वाज परफेक्टली हेल्दी, कोई हाँ। उसमें मतलब कुछ भी किसी किस्म की कमजोरी कुछ भी नहीं था, लेकिन फैमिली में भी होता है ना कि तुम लोग ऐसे हो गए, मियां बीवी तो बच्चा भी वैसे ही था, लेकिन स्किनी था, बहुत स्किनी था। और मैं उसको अगर डॉक्टर के पास भी लेके जाती थी यू नो तो वो कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकलती थी कि कुछ उसको प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी नहीं था। हाँ। लेकिन बस मुझे पैनिक था कि यार इतना पतला है बच्चा, और जाहिर है यू नो फिर लोग भी होते थे जो बोलने वाले नहीं, हाँ कि वो ये तो कमजोर है, एग्जैक्टली बहुत इतना काम नहीं लगी रहती हो क्या नादिया, बच्चे को नहीं देखती? इवन दो आई यूज्ड टू बी फीडिंग थ्रू आउट, मुझे लगता था कि शायद मेरे फीड में कोई कमी है या क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या प्रॉब्लम है, वो उस तरह से लीन होते हैं। ये भी एक चीज है कि फीडिंग मदर फीड पे जरूरी नहीं है कि बच्चा मोटा हो, पतलू हो, पतलू नहीं होता, हेल्दी होता है। हाँ बिल्कुल, उसका नेम बदल कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत ज्यादा एक टेंशन होती थी हर वक्त कि यार मेरा बच्चा मोटा क्यों नहीं हो रहा। तो और मुकाबला भी होता ना, देवरानी जेठानी या खानदान में और किसी का बच्चा हुआ है, नहीं और किसी का था ही नहीं, क्योंकि हाँ। मैं अपने घर में मेरे मतलब सास ससुर के साथ मैं इकलौती थी, बिकॉज मेरा जो हस्बैंड है उसके बहन भाई पाकिस्तान में रहते ही नहीं। अच्छा, अच्छा, और फिर मेरी मदर की तरफ से भी कोई बेबी नहीं अच्छा। था यू नो, तो जिस वक्त मेरा बेबी हुआ था तो आसपास अच्छा हाँ मेरे दोस्तों के बेबीज हो रहे थे। हाँ। और माशाल्लाह वो हट्टे कट्टे बेबी लटके हुए गाल, हाँ हाँ पूरे। तो लेकिन बस इस चीज की मुझे टेंशन, और फिर ये टेंशन मैंने हर एक में डाल दी। हाँ। मदर में मैंने अपनी माँ में टेंशन डाल दी, मैंने अपनी सास में टेंशन डाल दी कि जी बच्चे को खाना खिलाना है, बच्चे को खाना खिलाना है। बस यही टेंशन होती थी हर वक्त कि जी ये खाना खा ले, खाना खा ले। और बहुत फिनिकी भी था, बहुत ज़्यादा फिनिकी था, अपनी मर्जी का खाना उसको खाना होता था, अगर जो उसको नहीं खाना वो उसको नहीं खाना, मतलब बस यही था उसका, अपनी शौक की चीज उसको खानी होती अच्छा, थी। और पेट मैं, का दर्द, रात को सोना, ये सारी चीजें नहीं, वो सब कुछ भी नहीं था, बस अच्छा। अपने शौक से उसको खाना होता था, मतलब व्हेन ही वाज ऑन माय फीट। तो अगर मैं उसको अच्छा ये भी मुझसे मुझे लगता है कि ये गलती हुई थी मुझसे, जो फिर मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम में रिपीट कभी नहीं की, कि मैंने मुझे पर्सनली ये लगता था कि मुझे उसको चुस्नी या उसको बॉटल शॉटल मुझे नहीं देनी चाहिए, इवन दो कि मैं पंप करती थी, लेकिन शुरू से ही जो है वो मैंने उसको चुस्नी या बोतल की आदत नहीं डाली।
तो मैं पंप करती थी, लेकिन पंप करने के बाद मुझे समझ नहीं आता था मैं उसको पिलाऊं कैसे क्योंकि वो पीता ही नहीं था, बोतल से ही पीता था वो, तो उसको जबरदस्ती चम्मच से पिलाना पड़ता था। Are you serious? Yeah, 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 yeah. Like it was just crazy because मैंने उसको आदत ही नहीं डाली हुई थी बोतल की या चुस्नी की किसी चीज की। तो मैं अगर कहीं जा रही होती थी काम पे या पंप, तो मैं वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, यू नो, लाइक लिटरली फ्रॉम द फर्स्ट बेबी टिल द लास्ट बेबी आई यूज्ड टू पंप। लेकिन अब पहले बेबी में ये मुझसे गलती हुई, उसके बाद फिर यू नो जब आहिस्ता आहिस्ता वो फीड पे आने शुरू हुआ तो फिर मदर्स मिल्क जो है वो केले में मिला के उसको दिया, यू नो, लेकिन उसने बोतल आज तक नहीं ली और उसकी वजह से उसका दूध जो था वो शुरू नहीं छुट, हाँ जो बॉटल फीड वाला दूध था वो नहीं उसने पिया, टॉप फीड बिल्कुल भी नहीं लिया उसने। लेकिन फिर उसको मैं अलग से खानों में उसको दूध, मतलब किसी तरीके से मैं उसको दूध देती थी, यू नो, अलग से खानों में, यू नो, मतलब मिल्क शेक्स दे दिए, इस किस्म की चीज़ें उसको फिर मैं दे के ताकि वो दूध तो पिए ना एटलीस्ट। जब उसने खाना शुरू किया, अगेन बहुत मुश्किल होती थी उसको खाना खिलाने में, नहीं क्या खाता था, जैसे ये कह रही उसका बच्चा देसी खाने खाता था, नहीं मेरा बच्चा भी देसी था। मैं इन लोगों को खिचड़ी बना के एक चावल दाल आलू चिकन ये लौकी और टिंडा, मतलब मिक्सचर और ब्रोकली श्रोकली सारी चीजों को मिला के एक खिचड़ी बना के और मैं उसको वो देती थी मैं। लेकिन वो भी वो इतनी मुश्किलों से पीता था खाता था कि उसको मुझे केचप की बॉटल केचप की बॉटल जो है वो क्योंकि स्क्वीज कर सकते हैं आप या तो स्क्वीजी बॉटल में उसको यूं करके हम लोग उसको कहीं किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करते थे और मुंह में तो केचप की बॉटल बोतल से खाना। चम्मच वाली चीज में क्या हुआ कि जब ये खिचड़ी विचड़ी बनानी शुरू की ना, जब आलू उसमें मैश तो वो चीजें फंस जाती थी, चम्मच वाली बोतल इट वाज अ फेल। तो ये मेरी मदर का आइडिया था कि केचप की बोतल का आगे थोड़ा सा मोटा कर, फीडर ही हो गया लाइक अ स्क्वीजी, यू नो, लाइक अ फीडर। इस तरीके से उसने खाना खाया है और वो एक साल की उम्र से मतलब आगे तक भी जो था वो इसी तरीके से खाना खाता था। And it was a nightmare. I hope it doesn't watch this show. अच्छा, फिर आगे आगे जो बच्चे हुए उसमें खाने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर कभी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि फिर तो मैंने कहा मैं तो जब अगला बेबी हुआ तो आप फीड भी करा ही रही थी और आप टॉप फीड भी? नहीं, टॉप फीड नहीं दे रही थी लेकिन मैं पंप करके बोतल में दे रही थी। बोतल फिर मैंने दी कि यार इसको जब मैं ना हूँ तो एटलीस्ट उसको फीड में किसी चीज की लगाने की आदत तो हो ना, मतलब फिर मैंने कभी इस आइंदा मैंने मिस्टेक नहीं की। ओके, अच्छा अब जैसे बच्चे बीमार होते थे तो फौरन डॉक्टर के पास भागना है, कुछ घर से टोटका इधर सास अम्मी से पूछ? अच्छा, मैं बिल्कुल भी इस कायल नहीं थी कि मुझे डॉक्टर लेके जाना है। शुरू में एटलीस्ट यू नो लाइक जब बहुत ही छोटा होता था तो फिर थोड़ा सा होता था कि अच्छा है पता नहीं क्या हो गया, यू नो समथिंग लाइक दैट, तो फिर एट टाइम्स यू नो लाइक चले जाते थे। लेकिन वो हाइपर तुम इस तरह नहीं, लेकिन नहीं वैसे नहीं थी। लेकिन मेरा मियां टोटली द ऑपोजिट, अच्छा हर छोटी चीज पे डॉक्टर के लेके जा, हर छोटी चीज पे मुझे उससे चिड़ हो गई थी ना, मैंने कहा डॉक्टर के नहीं लेके जाना मैं उल्टी हो गई क्या मतलब है यार, हर चीज पे डॉक्टर के लेके जाओ, हर चीज पे डॉक्टर के लेके जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, यू नो हल्का सा। अच्छा तो थोड़ी सी आदत भी हो जाती है, अगर स्टफी नोज है तो आपको पता लग जाता है, यू नो कि हल्का सा आपने यू नो सलाइन के साथ थोड़ा सा उसमें ड्रॉप्स डाल दिए या कोई यू नो लाइक वो भी रखना चाहिए था सलाइन वाटर हमारे पास। अच्छा, अनदर थिंग दैट वाज अ बेस्ट फ्रेंड वाज कॉलिक की जो होता है या इन्फोकॉल ड्रॉप्स, यस वो तो इन्फोकॉल नॉट माइन इन्फोकॉल मेरे बच्चों का नाम है उनमें। Yeah, totally इंग्लैंड यूके वाला। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने तो बर्नेसान दिया है, एक आती है वो ग्राइपोटर टाइप चीज है बर्नेसान,
वो देती थी। तुम्हारे जमाने में ही होगी, हमारे जमाने पहले बच्चे। अच्छा तो फिर मेरे जमाने में वुडवर्क और ग्राइप पोर्टर क्या करता है? नहीं अभी भी वही वाला, वही वाला यही है ना, वही दोनों मेरे जमाने। ये कौन से जमाने में? हमारे जमाने में तो बेस्ट फ्रेंड स्क्रीन है, मोबाइल है। हाँ। आप बस मोबाइल लगा दे, बच्चा सब कुछ बच्चा चेड़ा है कुछ। हाँ। हो रहा है आप ये लो बेटा मोबाइल देख लो। हाँ। वो एक चीज अच्छा, लेकिन इन्फो कॉल फिर मैंने दिया। अच्छा अब देखो ये तो बच्चे के पेट की बात हो गई। माओं के पेट का प्रॉब्लम ये होता है कि उनका पेट निकल आता है बच्चों के बाद। हाँ। नादिया ने क्या किया पहले बच्चे से कि नादिया का पेट माशाल्लाह। अरे कैमरे नादिया की तरफ सब देखे बोला टेंशन है कान खोल के सुन ले। नादिया ने चार बच्चों के बाद भी अपना पेट कैसे काबू में रखा है? जो मैंने मैंने वो बेल्ट जो होती है वो मैंने बेल्ट काफी अरसा पहनी। अच्छा पहले बच्चे के बाद, मतलब ये मिथ हाँ, नहीं है ये चल बात से। आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू बिकॉज़ मेरे तो चारों सिजेरियंस भी हुए थे तो आई नीडेड दैट सपोर्ट बिकॉज़ मुझे तो इतना पेन होता था। आई मीन जो शुरू के जो वही जो सिजेरियन का जो नॉर्मली आई थिंक दो हफ्ते तक का तो रफली तक तो रहता ही है पेन, तो उस दौरान जो है वो उठना करना यू नो वो सारी चीज़ों में तो आई यूज टू वेयर नॉट इन द बिगिनिंग, लेकिन महीने के बाद मैंने फिर यू नो बेल्ट पहनना शुरू की थी इन ऑल द आफ्टर ऑल द बेबीज। और फिर ये कि मैंने लाइक खाना तो नॉर्मल खाना होता था बिकॉज फीड कराते वक्त तो आपको भूख भी लगती है कि you know, कोई डाइटिंग वगैरह नहीं की थी। नहीं 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 शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अराउंड 6 मंथ्स के बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना इनटेक थोड़ा सा यू नो शुरू किया रिड्यूस करना कि भी थोड़ा सा कम मतलब रोटी चावल थोड़ा सा चीनी। वैसे भी मुझे इतना ज्यादा वैसे भी आई थिंक आपकी बॉडी टाइप भी वो वाला नहीं है जो बहुत ज्यादा आपने पुट ऑन नहीं किया। यस एंड आल्सो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में मैंने मैक्सिमम जो गेन किया था ना दैट वाज 25 पाउंड्स। अच्छा एंड केजी में बात कोई 10 केजी 12 केजी मैंने गेन किया था इन ईच प्रेगनेंसी एंड इट वाज नॉट प्लान्ड। ठीक है ये मैं बताना चाहती हूँ लोगों को, ये इस वजह से क्योंकि मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम होता था मेरे बेबी, जब मैंने कहा ना कि मेरा पहला बेबी बहुत स्किनी था तो मेरे बेबीज को वेट गेन होने में इंट्रा यूटराइन मेरे बेबी को वेट गेन होने में प्रॉब्लम होती थी। मतलब डॉक्टर जो था ना वो कहता था कि तुम्हारा बेबी इज टू स्किनी एंड फिर मुझे बेड रेस्ट पर डाल दिया जाता था और अपनी टांगे उठा के और फिर जो है ना मतलब कि जी बस अब तुम बेड रेस्ट पर रहोगी ओनली बिकॉज बेबी वॉज नॉट वेरी बिग। Okay. So it happened every single time. It was a scare. लेकिन अभी तो it was a scare. नहीं 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 वो तो खैर था वो तो था, लेकिन मुझे डॉक्टर्स डराते थे इस चीज के लिए। अच्छा बिकॉज आई वॉज सो ओवरली एक्टिव एंड सो ओवरली आई वुड से लाइक नॉट हाइपर बट ओवरली एक्टिव के टिल लाइक द 7th-8th month द वेट ऑफ द बेबी इतना ज्यादा नहीं था जितना होना चाहिए था। चाहिए था तो वो फिर डॉक्टर आखिर में आके बोलती थी कि अब तो तुम मुझे लिटरली डांटे पड़ती थी यू नो कि अब तो तुम बैठ के तुम जो है ना अपनी टांगे ऊपर करो और एक्सेस खाना खाओ कि तुम्हारा खाना जो है वो तुम्हें नहीं लगे वो तुम्हारी एनर्जी में नहीं वेस्ट हो तुम्हारी बेबी को लगे। तो ये मेरे साथ उल्टा प्रॉब्लम होता था लाइक जब बेबीज या मदर्स जो है वो अगर ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं और फिर उनके बेबीज माशाल्लाह हेल्थ मतलब इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन बट से बट हां आई वेंट अप टू 76 केजीस एंड माय बेबी वाज ओनली 3 केजीस यू वेंट टोटल आई वाज 76 केजीस आई वाज अ बॉल। मतलब मेरा उठना बैठना मुश्किल हो गया था, सब कहते खाओ खाओ खाओ, मुझे भी मजा आता था कि यार हां मोटा बेबी होगा एंड व्हेन ही वाज बोर्न ही वाज ओनली 3 केजीस 3 केजीस इज नॉर्मल। अपना वेट देखे ना एक औरत जो थी ही 41 केजीज की वो 76 पे जाए एंड व्हेन यू होल्ड द बेबी ही इज ओनली 3 केजीज तो आप कहते हो कि यार वो खाना का है और मैं तो यूं ही पड़ी रह गई ना, मैंने कहा या अल्लाह ये मैंने किया क्या अपने साथ एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी तो बेबी हो गया अब तो सारा वेट यूं उतर जाएगा वो तो खत्म हो जाएगा 2 दिन में मैं पतली हो जाऊंगी और मैं तो फिर मुझे एंग्जाइटी अटैक्स होती थी कि ये मैंने अपना हाल क्या किया है
चॉकलेट खा रही हूँ, ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ, तो ये एक्चुअली ये मिथ है कि आप जितना खाएंगे बेबी हेल्दी होगा. बेबी हेल्दी होगा या वो एक मिथ है. तो लेकिन यही है कि मतलब मेरा कोई वो प्लान्ड नहीं था कि मैं वेट गेन नहीं करूंगी. हाँ. कोई ऐसा प्लान नहीं था. नॉर्मल मैं नॉर्मल खाती थी. अच्छा पहले वाले में प्रॉब्लम हुई, दूसरे तीसरे और चौथे में तुम रिलैक्स हो, समझो. तो तुम्हारी सीख थी तो तुम पहले बच्चे से ही सीख गई, जो तुमने गलतियाँ की. हाँ. है ना, वो तुम्हें एक सीख मिल गई. हाँ, हाँ, हाँ. अच्छा अब जो तुम्हारा चौथा बेबी है उसकी डाइट हमने सामने रखी हुई. वो उसकी क्योंकि अब तुम एक्सपर्ट हो चुकी थी. डाइट सबकी सेम थी, ऑलमोस्ट सबकी सेम थी. चलो बताओ ये क्या क्या तुम खिलाती हो. मैंने कहा था ना कि वो खिचड़ी जिसके अंदर अब यू नो चिकन मैश करके और ये लौकी टिंडा आलू और चावल सब इकट्ठे और बल्कि उसके अंदर ब्रोकली भी मैं प्यूरी भी बना. जब छोटा बच्चा हो तो आप प्यूरी भी बना. मैं तो प्यूरी बना के तो फिर तुम्हारी तरफ भी आऊंगी तुमसे भी. माशाल्लाह इसकी बच्ची गबलू क्यूट टू. अच्छा फिर ये इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा जो चीजें होती थी लाइक ब्रोकली वगैरह भी वो भी मैं ऐड करती थी. अच्छा के उबालती थी. हाँ, एक साथ उबाल के ग्राइंड कर लेती. एक साथ उबाल के हल्का सा नमक डाल के और उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेवरिंग डाल के लाइक हर्ब्स वगैरह डाल के कि उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाए. ब्लैंड नहीं मैं देती थी खुद इस तरह का. हाँ हाँ चखती थी, बड़े मजे का बनता था और उसको फिर मैश करके. नहीं नहीं इट यूज्ड टू बी वेरी टेस्टी बिकॉज मैं खुद भी उसको चखती थी कि यार ऐसा ना हो कि यार मैं फीका खाना खिला रही हूँ बच्चे को. तो मैं उसको मतलब नमक भी डाल के थोड़ी सी हल्की काली मिर्च डाल के सीजनिंग जिस तरह के हर्ब्स की सीजनिंग्स होती हैं वो डाल के उसको अच्छा थोड़ा सा यू नो मजे का टेस्ट करके और उसके बाद फिर उसको मैं फ्रीज कर देती थी. अच्छा बना के फ्रीज कर देती थी. हाँ बिकॉज मतलब मुश्किल से तीन दिन का खाना फ्रीज कर देती थी. ठीक है बिकॉज अगर मैं नहीं हूँ तो फिर एटलीस्ट पीछे जो है वो मेट खिला सके उसको खाना और फिर मैं अपने तरीके से बनाती थी उसको. जितना मुझे डालना होता था वो मैं डाल के उसको चख के ताकि फिर ये कि वो खाना मेरे टेस्ट के मुताबिक हो कि जो मैं शौक से उसको यू नो वो होपफुली बच्चा शौक से खा सके तो खा लेता था. वो खा लेता था इवेंचुअली मतलब कि. और तुम्हारे बच्चे अभी तक इसीलिए सब्जियों के शौकीन है. हाँ सब्जियों के शौकीन है, फ्रूट्स के शौकीन है. मतलब जिस तरह के हमेशा उन्होंने अगेन शुरुआत केले से की, अंडा भी. और जैसे अभी तुमने पपीता रखा हुआ है. नहीं ये पपीता नहीं है, ये वो है खरबूजा है. अच्छा मैं समझी पपीता है, खरबूजा है. अच्छा तो हर किस्म का फ्रूट खाते हैं. दे ईट ऑल काइंड्स मतलब चेरीज एंड स्ट्रॉबेरी. तुमने बचपन से ये आदत सेब और ये तो सब्जी वगैरह देती थी. और फ्रूट्स तुम कैसे खिलाती थी उनको. फ्रूट्स तो फिर सादा मतलब बिल्कुल सादा कि यू नो लाइक एप्पल्स भी हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए या प्यूरी कर दी एप्पल सॉस. और उसके बाद फिर बनाना मैश करके तो खैर बहुत ज़्यादा खिलाया है. और उसके बाद मतलब जो रेगुलर जो और फिर आम वगैरह हर किस्म का फ्रूट एप्रिकॉट्स हो गए तो वो हर किस्म का फ्रूट जो है वो उन्होंने खाया है. और बल्कि तस्वीरों में भी जो है वो शायद नज़र आएगा या होगा कि जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं जो है ना वो सेव मुंह में लेके शेयर किए. हम लोग तो बातों में लगे थे, हमें तो होश ही नहीं. हाँ कहीं ना कहीं जो है ना वो उसके साथ खड़ा हुआ है सेव मुंह में लेके खड़ा हुआ है. और वो ऐसे ही वो सेव खा रहा था. वो सेव मुंह में या फिर कुछ भी ना माशाल्लाह से नादिया के बच्चों के कद नादिया से भी सोचो लंबे है. नादिया का कद बहुत अच्छा लंबा है. इसकी बेटी और जो बड़े बच्चा है जबकि उनकी इतनी एजेस नहीं है लेकिन उनकी हाइट चारों की बहुत अच्छी है. दोनों मियां बीवी भी लंबे लेकिन ये तो उनको भी मतलब लाइक मात बीट कर गए. तो उसकी रीजन ये है कि उनको ठुसाया नहीं है, न्यूट्रिशियस खाना खिलाया गया है. सब्जी फ्रूट ये सारी खाने की आदत डालिए. और फोर्स फीड नहीं किया आप. फोर्स फीड शुरू पहले वाले पहले वाले क्योंकि वो आप फ्रीक आउट हुए हो गए ना कि दैट इज माय हमजा के. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद किसके पास जाऊं मैं. रूसा तुम सबसे आगे. ये हां मैं बस सुनना चाहूं एक्सपीरियंस लेंगे पहले सबसे. हां ओके जी एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनिए कारमा की दास्तान, दिल की कहानी उनकी जबानी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज एक बहुत ही प्यारा सा शो जिसमें आप शायद अपने फ्लैशबैक में चले जाएं कि क्या अब भी इन चीज़ों से गुजरे हैं जिनसे यहाँ हर माँ गुजरी है
मदिया की तरफ मैं जा रही हूँ. मदिया के बच्चे माशाल्लाह उनकी तस्वीरें दिखाएं, बहुत क्यूट है. मैं उनसे कहीं मिली, फ्रेंडली माशाल्लाह. आज तो बहुत सारे माशाल्लाह, दे आर ब्यूटीफुल, बहुत क्यूट है. दोनों बेटियां ट्विंस लगती हैं, है ना, लेकिन ऊपर तले के बच्चे होंगे वो. सो क्यूट, पठान पंजाबी फैमिली मिक्सचर ना, ईरानी एंड पठान. ये देखो जरा, जो बाबा है, दादा, मदिया बाबा, दादा बाबा मिक्सचर, इतनी प्यारी की हरकतें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. और दोनों इतनी पटर पटर पटा, देखो जरा जरा, अब एक 6 साल की, एक 5 साल की. अच्छा, मजेदार मजेदार. ये नानी स्पॉइल कर रही है ना, आइसक्रीम खिला रही है. अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. तो तुमने भाई, तुम्हारी एक्सपीरियंसेस हम जानना चाहते हैं. हाँ हाँ, मेरा तो बड़ा पता है हमें, तुम बड़ी सलीकाशार लड़की हो. ये हमें तुम्हारी अम्मा बता चुकी है ईद के शो पे. अच्छा, कि ये बड़ी सलीकाशार है, किचन संभाला हुआ तो सब. हाँ. तो उम्मीद है कि तुमने सही से संभाल लिया होगा. मैंने, हाँ, मेरा कुछ ऐसा मसला नहीं हुआ था, सही हो ही गया था बाय द एंड ऑफ द डे. जरा थोड़ा टफ था. हाँ. क्योंकि इनाया मेरी बहुत जल्दी 7.5 मंथ्स में पैदा हो गई. अच्छा, प्रीमैच्योर. या प्रीमैच्योर थी और मैं उसको पकड़ भी नहीं पाती थी, बिल्कुल इतनी सी थी, तो डर के मारे मैं हाथ नहीं लगाती थी. लुक एट हर, सो क्यूट. फिर ये है नाया, तो ये बिल्कुल बस इतनी है. तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी ने, एक महीना अम्मी ने संभाला था. अच्छा. इसको कॉटन में रैप करना और वो करना. स्टार दीबा जी जो है वो बेबी संभाल रही थी, नवासी को संभाल रही थी, छोटी मैच्योर बेबी को ऐसा संभाला. लेकिन ये था कि फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह फील लेते 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 थे, ऐसी सेहत पकड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह. तो सब अच्छा. हाँ, ये हुआ था कि आगे पीछे हुए थे दोनों, 1 साल का गैप था. हाँ. तो वो मेरे लिए, तो मुझे लग रहा था मैं 2 साल से प्रेग्नेंट ही हूँ शादी के बाद. क्योंकि मैं 2 साल से प्रेग्नेंट ही थी. हाँ. तो आगे पीछे के बच्चों का बस ये होता है कि वो ट्विंस ही होते हैं. हाँ. और वो ट्विंस की तरह ही पलते एक साथ ही हैं, एक इस गोद में सो रहा है, एक इस गोद में सो रही है. तो दोनों को ऐसे ऐसे सुलाना, फिर खिलाना. हाँ. फिर सब करना, नहलाना, वो एक अलग ड्यूटी थी. अच्छा है, मेरी माँ, मेरी सास और सारी माँ और सासें कह रही होंगी, देखो ये लड़की समझदार थी, दोनों साथ कर लिया, साथ फीडर बनेंगे, साथ बड़े होंगे, साथ स्कूल जाएंगे और खत्म इसकी छुट्टी. पता है, बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो यही कहते थे, बेटा मेरा हमजा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, मतलब नहीं बाहर आया दुनिया में. और मम्मी के दूसरा तुम फॉर्म है, मम्मा पहले भी इसको देख लो, मैं माँ कैसे बन रही हूँ, ठीक रहूंगी नहीं रहूंगी, क्या होगा क्या होगा, एक पीस सही से हो जाए फिर इंशाल्लाह बाद में देखते. लेकिन इवन इन मम्मा देखो तुमने हल्का नहीं लेना, मामा मामा हल्का नहीं लेना. अच्छा, खाने पीने में बेटी में नहीं, लेकिन बड़े समझदारी की बात करते थे पुराने. यही है क्योंकि अभी मैं यही सोच रही हूँ, अब दोबारा नए सिरे से. हाँ, मुझे सबने बोला ये क्या, साथ ही तुमने दूसरा ये क्या काम कैसे करोगी, ये क्या करोगी, वो क्या करोगी. बहुत फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट ये एक ही बच्ची है, मुझे नहीं लगता था कि इनकी दो है. वो बहुत लेयर ऑन, व्हेन आई सॉ बोथ ऑफ देम टुगेदर आई वाज ओ क्रैप, ये तो माशाल्लाह दो. और मैं मिली उनसे तो मैंने कहा ओ वाओ ट्विंस, हाउ लकी यू आर, ऑलमोस्ट ट्विंस ही था. अच्छा, अब वो अब दो एक साथ. हां, ओ खिलाना पिलाना, एक को दूध पिलाना, एक को फीडर पिलाना, बहुत मुश्किल था. एक को नहलाओ, दूसरी रोने लगती थी, उसको फिर नहलाओ, फिर पहली रोने लगती थी, फिर दोनों की मालिश करो, दोनों रो रही होती थी. मैं तो एक दिन खुद रोना शुरू हो गई, मैं क्या मुसीबत है, कहां फंस गई हूं मैं. अच्छा, जो बड़ी है, जब जाहिर दूसरी पैदा होगी तो वो बड़ी वाली की फीट तो गई नहीं, दोनों के साथ साथ ऐसा हो सकता चल रहा था यार. नहीं नहीं, फीट फर्स्ट के बाद जब दूसरी बेबी पैदा होगी तो उसके बाद तो फिर अक्सर जो फर्स्ट बेबी वो लेना शुरू कर देती है. नहीं नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीट तो खत्म हो जाता है. लेकिन वो फिर टॉप फीट पे थी, वो उस वक्त फिर वो टॉप फीट पे थी. अच्छा अच्छा, लेकिन बाद में फिर दोनों को चलता रहा होता है. ड्यूरिंग दी आफ, मतलब कि ड्यूरिंग दैट टाइम दैट रुक गया था मदर फीट, तो फिर बेबी ने वापस से शुरू कर दिया. छोटी को देख के ना उसके साथ साथ लेते हैं. शुरू में तो पूरे मुकाबले पे उतर रही थी ना वो, उसके कि वो जो कर रही है मैं भी वही करूँ. अल्लाह, उसके साथ साथ जिद में हो रहा था ये सारा. बट मेरे लिए अच्छा था, मैं कहता हूँ अच्छी बात है दोनों का साथ साथ. फिर उन्होंने खा तो क्या खिलाया उसको? मैंने जल्दी खाने की तरफ जल्दी ले आई थी, मैंने 6 महीने का वेट नहीं किया था. अच्छा, मैं आई थिंक 3 महीने के बाद ही उसको थोड़े थोड़े सॉलिड्स पे ले आई थी. अच्छा, ये दालें बॉइल करके उनको प्यूरी बना
बना के, क्योंकि वो प्यूरी बॉटल्स मिलती थी तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि अब फ्रूट्स की प्यूरी बना लें, किसी भी चीज़ की प्यूरी बना के मैं खिला देती थी। अच्छा। फिर सागुदाना, खीर, खीर की प्यूरी। फिर मज़े की चीज़ मैं करती थी कि मेरी बेटियाँ फीडर पीती थी और फीडर के अलावा वो बड़ी वाली कुछ पीती नहीं थी, मैं फीडर में मिल्क शेक बना के तो उसको वो खजूर और सब मिला के दे देती थी, वो दूध समझ के पी जाती थी। तो वो चीज़ भी उसके लिए ज़रा फायदेमंद हो गई थी कि खाली दूध नहीं था, चलो साथ साथ खजूर का शेक और या वो सब चलता रहा। अच्छा। फिर छोटी वाली खाने पे जल्दी आ गई, रोटी पराठा, क्योंकि घर में सब खाते थे तो वो जरा देसी फूड पे बहुत जल्दी आ गई थी। अच्छा अच्छा। जो दूसरी वाली है वो आज तक नहीं आई। दूसरी जो बड़ी वाली, जो दूसरे छोटी वाली जो छोटी वाली जो बड़ी है वो तो देसी फूड पे जल्दी आ गई, छोटी वाली आज तक नहीं आई। वो 5 साल की हो गई है, लेकिन वो नहीं चावल नहीं खाती, वो रोटी नहीं खाती, वो कुछ नहीं खाती, वो सिर्फ बॉइल चिकन, पास्ता बॉइल। एक गोरा बच्चा, एक देसी बच्चा। हाँ, ये दो टर्म मुझे अभी पता चली है, आज आज आ गया। पठान बच्चा है ना। हाँ, एक रानी है। तो अच्छा। बड़ी वाली तो फुल गोश्त खो रहे है, वो बिरयानी ये वो हर चीज मिर्च मसाला सब खा लेती है। छोटी वाली नहीं खाती, वो खा ही नहीं पा रही अम्मी, हालांकि उसको जबरदस्ती भी करती है लेकिन वो नहीं खाती, वो सालन रोटी चावल किसी चीज को हाथ नहीं लगाती, नहीं खाती। उसका फ्रीजर ही अलग, उसकी चीजें ही अलग पड़ी होती हैं, जिसमें वो बर्गर पैटीज और नगेट्स ये वो थोड़ी थोड़ी वही ना अंग्रेज बच्चा है ना। हाँ, वो एक अलग केस है। हाँ, हाँ, हाँ। पठान के दांत क्या कह रही है, पठान के दांत अब्बा की तरफ है तो वो अपनी मर्जी की। तो मदिया मतलब लाइक दोनों के दांत निकल रहे आगे पीछे एक को कुछ, एक को एलर्जी हुई तो दूसरी को भी होगी, एक को फ्लू हुआ दूसरी को भी हो गया, क्योंकि जाहिर है वो साथ साथ ही सारा कुछ साथ साथ ही होता था, चल रहा होता था। कैसी माँ थी, तुम भागती थी डॉक्टरों के पास पैनिक करते? मैं बिल्कुल सेम यही था मेरा, मेरे मियाँ जो थे वो हर वक्त डॉक्टर डॉक्टर, फ्लू होता है दवाई ले आया, मैं कह नहीं दो, थोड़ा इम्यून सिस्टम बनने दो, एक दिन रहने दो फ्लू, इवन स्टमक अपसेट है रहने दो, कोई बात नहीं, गंद निकल रहा है खैर है इजी हो जाओ। एक उल्टी आई डॉक्टर पे चलते ये तो मैं नहीं, मुझे नहीं होता था, मैं तो फौरन हॉस्पिटल चलो बहुत तबीयत खराब नहीं है, वो बच्चों का इम्यून सिस्टम नहीं डेवलप, तो पागल है तुम्हारा दिमाग खराब, मैं कहती नहीं नहीं ये तो बहुत तबीयत खराब हो गई, इज लाइक यू आर मैड, यू आर अ केस, यू नीड हेल्प। अच्छा, फिर टीथिंग प्रॉब्लम में तुमने कोई वो दिया, मतलब कोई टोटका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं तंग किया इतना बच्चों ने। हाँ। अच्छा, मैंने तो नहीं तंग किया मुझे। जो मेरी दूसरी बेटी थी टीथिंग प्रॉब्लम में, मुझे उसकी जरा ज्यादा वो हुई थी, तो एक कोई कह रहे थे कि होम्योपैथिक पता नहीं कोई पत्थर मिलता है वो गले में उसके बच्चे को डाल दो तो उसको दर्द नहीं हो। मैं सदर जाके वो मेडिकल स्टोर ढूंढी हूँ, वहाँ वो पत्थर मिलता है, वो हार के अंदर वो पत्थर होता है, तो वो पत्थर उसकी बॉडी से टच होगा। अजीब अजीब हरकत है, वो 21 को आती है दवाई, B21 वो अच्छी थी, वो मैं खुद भी खा लेती थी, शायद कुछ फायदा। तो मैंने तो वो पत्थर भी उसके लगाया गले में, वो बहुत रोती थी, से फर्क पड़ा वैसे कि नहीं, बहन वो इतनी ही रोती थी। इन लोगों का कारोबार इतना कैसे चल रहा है पत्थर के साथ, तुम्हें बताओ, जब फर्क ही नहीं पड़ रहा तो ले गई मैं मलेशिया कमर्शियल करने गई थी, तो छोटे बच्चों को कहाँ छोड़ के जाती, साथ ले गई, और अम्मी अब्बू की से रिक्वेस्ट की आपका जो हनीमून आप करने वाले हैं अभी, वो मेरे साथ मलेशिया में करना, बेचारे लग के चले गए मेरे साथ बच्चे संभाल ले, कह रहे तुम्हें क्या पाली है, हर जगह लेट के रो रही होती थी घुटने में कर कर, उसके दांत निकल रहे थे। हाँ। पत्थर अच्छा, लगा लिया ये तो मैंने भी बहुत किया भाई, शूट पे मेरे दोनों बच्चे, उनकी दोनों मेड्स और अम्मी, पूरी एक टीम मेरे साथ साथ जाती रही है, तीन साल 3.5 साल तक मैं, और मेरी सारे ड्रामे आउटडोर, सारे ड्रामे जो मैंने लेटली किए उस दौर में सारे आउटडोर, कोई गुजरा वाले में हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है, और मैं पूरी कुंभा लेके साथ मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे तंग करते थे कि आप इतना कमा लेती जितना आप लगा रही हैं। अच्छा, मैंने तो ड्रामे छोड़ दिए थे, ठीक है, मेरे साथ भी होता था, दो बच्चे दो मेड्स और मैं होस्टिंग कर रही थी उस वक्त, खाली मैं जा रही हूँ, एक दफा तो बर्दाश्त कर लिया उन्होंने, क्योंकि मैं मुझे अपने खाने की फिक्र नहीं, मेरी मेड्स ने खाया मेरी, और उनको इतनी भूख भाजी फ्रेंच फ्राइज मंगा दे, मुझे डर डिमांड, छोटी सी उम्र थी कि भागना जाए छोड़ के, मैंने कहा सुनिए किसी तरह मैं करके ये पैसे ले फ्रेंच फ्राइज ला दे प्लीज,
मतलब बच्चा छोड़ मैं छोड़ की तरह फिर मैंने कहा आप एक दफा करो, इतनी जलील हो रही हूँ उनके खाने के लिए, घर बैठती हूँ. तो मैंने 6 साल काम छोड़ दिया, मैं घर बैठ. मैंने भी 2 साल छोड़ा. यासिर तुम जो खिलाओगे मैं खा लूं. मैंने को बाबू जो जो दोगे महीने जो हाथ में रखोगे वो हम रख लेंगे. काम नहीं करता. 6 साल मैं घर बैठ गई. मैं मेड बनूंगी. 6 साल मैं खाना. हाँ मैंने खाने पकाए, मैंने बच्चे संभाले. उसके बाद होस्टिंग शुरू की आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. लाइव शो किया, घर चली गई. वो वाली मैंने आज की दवा ऐसा काम किया ना मैंने किसी माँ ने ना किया. माशाल्लाह बलाज को मैंने देखा हुआ है वो माशाल्लाह वो भी बहुत एक्टिव शरारती एक्टिव. समझदार हो औरत तो काम भी कर सकती है, बच्चे भी. हम लोग उस वक्त थे नहीं समझदार जब हमारे पहले बच्चे. क्योंकि मेरा तो काम ये जैसे मॉडलिंग करती थी, मॉडलिंग करके घर आ गई. सुबह मैंने किसी इनकी बारे में बात नहीं करें. वो तो अलग ही लीग है. ये अलग अलग लीग है, अलग अलग क्रिएटर है, कोई अलग कोई है. लेकिन मैं इतनी सेटिस्फेक्शन मिली है ना वो स्क्वीजी की सुन के. इट हैज हेल्प मी सो मच कि आई एम नॉट द क्रेजी वन. क्योंकि जाहिर है टेंशंस तो होती है ना. मतलब खाने की कितनी टेंशन होती है. खाने की बहुत टेंशन. और जब आप अपने हाथ से बना के रखो. अच्छा मैंने कभी खाने की टेंशन नहीं मेहनत ये मेरी नाल की शरारतों पे होता है. आपने वो कहा था 1 साल में ठीक हो जाएगा, अभी तो आप कहते हैं कि 5 साल में ठीक हो जाएगा. वो 5 साल का और है बिल्कुल. और शरारती होना शुरू हो जाते हैं बच्चे. फिर बच्चों की पढ़ाई के बस 10th तक तुम तवज्जो दे दो फिर देखना. उसके बाद भाई नहीं खत्म होती ये झंझट. बच्चे के बच्चे माशाल्लाह बड़े माशाल्लाह निक्सर. मैं तो बल्कि कहती हूँ कि मदर्स को कि भाई प्रेगनेंसी इज द बेस्ट टाइम. यू नो और जब तक वो बच्चा जो ना हिले नहीं. मैंने ऐसे लोग देखे 7 महीने तक हम कहीं वेकेशन पे नहीं जाएंगे, हम किसी शादी में नहीं जाएंगे, हम किसी के घर नहीं जाएंगे. ऐसे मैंने माँ बाप देखे 7 महीने बाद बेटा वो तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा. 7 महीने तो है कि जीले सिमरन अपनी जिंदगी. दूध पिलाओ ये फिर से रिपीट करें सबको बता दें. ये बात सही है. जस्ट क्लिक बिकॉज मैं हमजा 8.5 महीने का. तो उससे पहले हम लोग ट्रिप पे गए थे और मुझे यही था कि छोड़ के जाए. क्या माई सास हैड टू कम टू टेक केयर ऑफ हमजा सो दैट हम मैं और साथ जा सके. बेस्ट टाइम था उस वक्त. लेकिन बच्चा छोटा था वो दादी नानी माँ के बगैर थोड़ा बहुत वो हैंडल हो जाता है. टोटली अभी आप ऐसा सोच नहीं सकते. हाँ बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल है. नाइल की बड़ी मजे की वीडियो हमारे पास है इसकी शरारतों की. आइए जरा आपसे शेयर करते हैं. दिखाएं भाई. गंदे जंगली हो गए हो, क्या कर रहे हो? हाय अल्लाह आवाज थोड़ी लगाते जंगली. मतलब कि आप अपने बच्चे को चुप कराते हुए उसकी मस्तियों के साथ आप वो बन जाते हैं. हाँ. आप कभी सोच ही नहीं सकते. ओह यू हैव नो आईडिया. मनाज ने जो मेरी वीडियोस बनाई है शुक्र वो गलती से नहीं गई. डायपर चेंज करते हुए सना क्या कर रही हो, ये एक एक्ट्रेस है ये देखिए ये क्या कर रही है, फूफू साफ करते हुए. आई हैव द वर्स्ट वीडियोस यू नो. आई लुक लाइक अ मासी. अच्छा ये मेरे साथ भी हो. मैं एक दिन पोछा लगा रही तो हसन कहते हैं ये अपने अंदर की बड़ी दौर की बड़ी एक्ट्रेस. यार मेरे मियाँ ने वो हरकत की जो कोई मियाँ नहीं करता. मैंने अपने पहला बच्चे की मसाज की और मैं उसको जो है वॉशरूम ले जाने की क्योंकि मुझे लगा था वो कुछ करने वाला है. मैंने उसको यूं उठाया हुआ था और उसने मेरे हाथ पे ही सब कुछ कर दिया और मेरे मियाँ ने वो पिक्चर ले ली. नहीं उसके बाद वो पिक्चर मैंने संभाल के रखी. बड़ा होगा तो दिखाऊंगी. वो उसने कहा ये बड़ा होगा तो तुम दिखाओगी तो शर्मिंदगी से चूर चूर हो जाएगा. उसने वो पिक्चर फाड़ दी और मैं ढूंढ
उनकी तगड़ी मुझे मिल नहीं रही, चुपचाप उसने कहा यार, और वो ऐसी पिक्चर है हर चीज क्लियर है, मैंने उसे यूं उठाया वगैरह अब यूं है और यहाँ सारा काम हुआ। दैट वाज अ नाइस मोमेंट, बीवी को दिखाना था ना कि मैं ढूंढती, मैंने कहा यही इसकी बीवी, इसकी बीवी को दिखाने वाली पिक्चर यार। छुपके से रात की किसी पहर एल्बम से वो पिक्चर निकाली और चूर चूर करके जला दी कहीं, और अभी तक मुझे नहीं बताया यासिर भाई कोई पिक्चर ऐसी होगी जिस उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन मेरे भाइयों के छोटे बच्चे होगा कि बेबी के बाद ना आपकी सारी घिन सब कुछ खत्म हो जाएगी, इट्स लाइक यू नो you live for that, ये औरतों में घिन खत्म हो जाती है, आदमियों में घिन खत्म नहीं होती, उनको आ रही होती है। यार आपके लिए वो पुपू कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब बातें क्या करते हैं आप, वो औरत नहीं, कौन से कलर की थी, एक बच्चे का जब पेट खाली होगा तो वो बच्चा सबसे सुकून में होता है, तो उसका पॉटी टाइम इज द बेस्ट, मतलब उसका पॉटी ट्रेनिंग टाइम भी बड़ा ट्रेन हो गया। चार पांच औरतें जो हैं वो एक साथ बैठे फैशन और मेकअप और ग्लैमर की बात कर रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये ग्लैमर सब खत्म हो जाता है, ये ग्लैमर नहीं, मेकअप में बर्फी लड्डू के सेट पे जो है वो पैम्पर भी चेंज हो रही कर रही होती थी, मैं स्पीड भी कर रही होती थी, सीन भी कर रही होती थी, एंड इट वाज फन। Why? Because आपके आसपास इतने सारे लोग थे जो आपको उस तरह से सपोर्ट कर रहे थे कि अच्छा तुम काम भी कर रहे हो, अच्छा तुम बेबी के साथ भी हो, अच्छा यू फीडिंग इज वेल, अच्छा ठीक है, यू नो, तो दे वुड गिव मी दैट माहौल है वो सब कुछ, तो वो माशाल्लाह आपको दिल कर रहा होता है। Now I think life is about it, you know, अब आप जैसे रात को बच्चा सो जाए, आप बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, हाँ नाइल की पढ़ाई, मतलब योर लाइफ बातें करने को, इट्स ऑल अबाउट किड्स, यू नो, इट्स ऑल अबाउट किड्स। तुम्हारे ऊपर आएंगे हम ब्रेक के बाद, हाँ भी आएंगे, अच्छा चले बनाज की भी बातें कर लेंगे, ओके जी छोटे सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान फ्लैश बैक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी सेलिब्रिटी माएँ अपने बच्चों की दास्तान आपसे शेयर करिए, क्या क्या बेवकूफ़ियाँ उन्होंने की, क्या क्या अकलमंदियों से उन्होंने अपने उस वक्त को आसान बनाया, ये सारी बातें आज आप जान रही होंगी, सुन रही होंगी और आप हंस भी रही होंगी, हमने भी यही किया, अरे हमने भी यही किया। आइए उरूसा की तरफ चलते हैं, उरूसा जिसने अपने आप को बिल्कुल 360 डिग्री का पूरा चेंज लिया बच्चे के बाद, उसके पीछे भाग भाग के माशाल्लाह ये दुबली पतली हो गई हैं, इनको हमारे साइज के कपड़े आने लगे हैं माशाल्लाह, मुझे कपड़े आने पीछे पिन लगाई के कपड़े नहीं, मतलब मुझे मेरे फाइनली वो वक्त आया कि जब बुटीक में अगर कुछ खुश होने के पीछे पिन लगे आ जाए, तुम्हारे पीछे पिन लगे, आपको पता नहीं है ना वो वाली बात, मतलब ये हम लोगों को पता है ना कि हम जब बुटीक के बाहर खड़े होते हैं और जब हस्बैंड कहते हैं कि बेटा जाके अंदर से ले लो पापा तब याशी करो, और आप जाते कहते प्लीज अंकल ये वाला साइज दे, ये वाला दे दें, तो कहते नहीं आपका साइज ही नहीं है, प्लीज गेट आउट, क्या करेंगे आप फिर। सो यस, आपकी शादी के कितने साल बाद पैदा हुए? हमजा ने शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ, मेरा पहले मैंने कंसीव किया था वो मेरा मिसकैरेज हो गया था, फिर मैंने इसको कंसीव किया लाइक आफ्टर 1.5 ईयर, तो माशाल्लाह माशाल्लाह जब इसको कंसीव, ये मेरा हमजा है माशाल्लाह, ये बर्फी लड्डू का सेट है, बटन मेरे साथ आया था, ये बस 4.5 मंथ का हुआ था जब मैं इसको सेट पे लेकर आई थी, वरना उससे पहले वी वर एट होम, आई वाज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम, सो ये जब पैदा हुआ तो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा बेटा है तो वो पूरा माशाल्लाह माशाल्लाह बल वाला बच्चा होगा और बड़े बड़े गाल, तो ये एकदम सूखा हुआ हल्का सा सूजा और शदीद लंबा निकला था माशाल्लाह, तो वो पता चला कि इसकी हाइट लंबी है लाइक अकॉर्डिंग टू न्यू बॉर्न्स, और इसलिए उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो ही वाज लाइक अ हेल्दी बेबी, बट ही डिडंट हैव दोज बल, तो मेरा ऑपरेशन जब हुआ आखिरी दिन तक तो नॉर्मल लेबर ही नॉर्मली होना था, लेकिन फिर उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगी, तो उसके बाद फिर हमको ऑपरेशन करना पड़ा, हमको कह रहे हो ना, तो I was very well alive जब ऑपरेशन हो रहा था, तो I know the whole जो चल रहा था, I was talking to my doctor as well, तो माशाल्लाह बड़ा आसानी हो गई है अब के ऑपरेशंस में, क्योंकि हमारी अम्मा मुझे सारी जिंदगी मरते दम तक अपना पेट कटा हुआ दिखाती थी, तुम कहती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, देखो तुम्हारी खातिर मैंने पेट कटवाया, तो लाइक उस वक्त तो फिर डेथ भी हो जाती थी ना, मेजर सर्जरी, अब इट इज नॉट, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आखा मेरी डॉक्टर माशाल्लाह अल्लाह उसको अच्छा रखे, डॉक्टर राइला मोहसिन, शी वाज अ ब्लेसिंग थ्रू आउट, क्योंकि आई वाज ओबीस, मुझे था कि कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ भी ऐसा
ऐसा हो, बस अल्लाह ने करम रखा और फिर खैर से वो हो गया। हाँ माशाल्लाह। लेकिन ऑपरेशन से हुआ और वही ऑपरेशन के बाद अब एक महीना वो बेल्ट वाली जो मैं बात करी, उनकी जो ऑपरेशन वाली माएँ होती हैं उनका तो पेट का सबसे बड़ा मसला होता है, और जिनके बच्चे मई के महीने में पैदा होते हैं वो बहुत, और ढीठ जो होती हैं माएँ वो ठंडा पानी ज़रूर पीएंगी अपने सवे महीने में, वो गर्म पानी तो पीएंगी नहीं मई के महीने में। तो मैं तो, मेरी सास माशाल्लाह उन्होंने मेरा छिल्ला देखा, छिल्ला कहते हैं सवा महीना कहते हैं, तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह अगर वो नहीं होती तो मेरे साथ तो मुझे, मैं हमजा को नहीं देख पाती, कोई भी नहीं देख पाती। लकी हूँ क्योंकि सास ने कहा इतना ख्याल करती है। शी फ्लू फ्रॉम लाहौर मेरे लिए, और वो जिस दिन मेरा डिलीवरी होनी थी उस दिन वो पहुँची थी, और बस वो इंतज़ार में हमजा यही था कि वो पहुँचे पहले दादी, क्योंकि उन्हें संभालना है क्योंकि माँ को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छे से, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे सवा महीने में बहुत हेल्प किया, जो उन्होंने सुपर डुपर चीज़ की है वो मेरी सास और मेरी नानी सास ने जो किया था, वो उन्होंने मुझे एक बड़ा लाल रंग का बाल्टी था ढक्कन वाला जिसमें पंजीरी थी, और वो पंजीरी नॉर्मल बेकरी की पंजीरी नहीं, वो पंजीरी घर में इतनी तैयारी थी, और वो जिसको कहते हैं ना हर अच्छे पंसारी की दुकान से जितनी 36 जड़ी बूटियाँ जिस तरह लेनी है उसको किस तरह भिगोना छीलना पकाना फ्राई करना भूनना जो भी करना होता है। तो मेरी नानी सास, साकिब की नानी माशाल्लाह, और मेरी सास दोनों मिलकर हैड दैट पिक्चर वुड हैव ब्रॉट इट, या मुझे वो दिखा, तो वो किचन में लाहौर में वो कर रही हैं, और वो मेरे लाल, जब मैंने लाल बाटी देखा मैंने कहा ये कैसे ख़त्म करेंगे, बेटा आप ख़त्म करेंगे कौन आएगा आपको ख़त्म करना, इट वॉज दिस बिग बाल्टी लिटरली। और वो माशाल्लाह माशाल्लाह उस पंजीरी ने मुझे सवा महीने के बाद 8.5 महीने मैंने हमजा को फीड कराया माशाल्लाह, और उसके बाद भी मतलब मैं सवा साल तक मैंने वो पंजीरी खाई है। दे वर टाइम्स मलिया मैं आपको भी बताऊँ कि मैं बिल्कुल यूँ नीचे लिथार्जिक बिल्कुल डाउन हुई हूँ, और बच्चा हो चुका है, मैं उसको फीड भी करा खाना वाना सब कुछ, मतलब बड़ा हो गया बच्चा, और मैं लिथार्जिक हूँ, तो मम्मी कहती थी कि तुम ये पंजीरी दो चम्मच खाओ दूध के साथ, और वाकई में वो 2 चम्मच दूध के साथ खा के मैं शूट पे जाती थी और मैं यूँ तरोताज़ा होती थी। तो इट वॉज एक्चुअली मैजिकल। और उस वक्त खाया पिया आपकी जिंदगी भर वो उस वक्त काम आता है, अगर आप गड़बड़ भी कर रहे हैं तो वो सारी जिंदगी आपके साथ प्रॉब्लम भी रहती है। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो कोई मसला ही नहीं था कि वेट पुट ऑन करूंगी, प्रेशर नहीं था कोई, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मुझे पता था कि मैं जितना भी खाऊंगी कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा मुझे। तो मैंने वो पंजीरी मंड के खाई, सही से खाया जो चीज़ें उन्होंने कहा, तो वो पंजीरी में क्योंकि सूजी था तो वो उसने आगे भी फीड में मेरी हेल्प की, उसमें बाकी जो जोड़ों के दर्द के लिए कमर का पता नहीं इतनी सारे नाम, बट वो प्लीज़ ये जो औरतें और लड़कियां हमारी आजकल की जो जवान जो जनरेशन है जो कहती है कि यू और वेट और ये वो मेरी प्रेगनेंसी में सारी चीजें हसन खा जाता था, मैंने भी पंजीरी खाई थी, बट बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मैं अराउंड ओनली फीड के दौरान मैं खाती थी। और मुझे तो कहा गया था, वो डब्बा देख के मुझे पता था कि और कोई खत्म नहीं कर सकेगा, उसको फेंकेंगे नहीं, उसको गुनाह मिलेगा, तो आपको खानी है। तो उसने बकायदा हेल्थ किया बहुत बहुत ज्यादा, उस ताकतवर चीजें खाने से लाइक आपको आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, बच्चे को आपके आपने ही संभालना है इन दी एंड। मेरा फीट माशाल्लाह मुझे उस पर इसलिए टेंशन नहीं हुई, मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 8.5 महीने तक उसको बोतल बिल्कुल मुँह नहीं लगाया उसने। मैं शूट पर क्यों लेके जाती हूँ, आई वॉज नॉट वर्किंग बिकॉज कि हर आधे घंटे बाद अगर माशाल्लाह उसको फीट करना, मैं सीन में कैसे करूँगी क्या करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीन के लिए सबसे पहली जो मुझे जो बच्चे के बाद जो एक वो मिला था ना एक बूस्ट, वो एंजेलिन मलिक हमजा पैदा होने वाला था, और वो शी वाज़ कॉलिंग कि अच्छा तुम्हारा सवा महीना कब तक खत्म होगा, बहुत मजे का कैरेक्टर है, अगर तुम हिम्मत करना था। मैंने कहा मैं इतनी फूली भी मजीद सूझी भी होंगी, सिर्फ आई डू समथिंग यू विल डू इट विल वर्क इट आउट। तो उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देखे, उन्होंने हिम्मत दी, तो वाकई ऐसे ही होता है, मतलब निकलता है एक हिम्मत चाहिए। और हमजा ने भी साथ दिया माशाल्लाह, कि साकिब ने कहा था कि तुम इतना डिसीजन ले रही हो सेट पे जाने का और हमजा के साथ, तो किसी को ये मौका ना मिले कि वो ये बोले कि भाई अच्छा ये सब ड्रामा कर रही होती थी ना, मुझे तो लाइव शो करना ब्रेक के बीच में भाग रही होती थी मुझे याद है। तो मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा कॉट ला के रखा था, सवा महीने बाद में शो लाइव करने आ गई थी। अब किसी दिन रात भर जगाया है उसने, आना है सुबह शो करने, हाय हाय, वो भी एक यादगार दिन होता है जिंदगी बलाज की। ये बचपन से दिखाना शुरू करते हैं बलाज की तस्वीर, देखो जरा क्या क्या हरकतें मैंने करवाई है। तो मैंने अपने इस बच्चे को जिसका नाम बलाज इतना एंजॉय किया है, फरीद और सिला को
उतना नहीं किया जबकि मैं उस वक्त इतनी बिजी नहीं थी जितनी मैं बलाज की दफा बिजी थी, बट मुझे लगता है समहाउ यू वर मोर रेडी और आप ज्यादा एक्सपीरियंस थी, एज थी उस हिसाब से जो पहले, और नॉलेज भी ज्यादा थी क्योंकि आप इस शो के थ्रू भी कितनी सारी चीजें समझदार भी हो गई थी, हाइपर नहीं होती थी, बच्चे को संभालना आता था, क्या खिलाना है क्या पिलाना है क्या देखना, बहुत कुछ सीख चुकी थी। तो लाइक दो बच्चों के बाद तीसरे बच्चा आप थोड़ा लेट कर सकते हैं, बहुत इंजॉय करते थे, तुमने भी अपना जो चौथा किया उस वक्त तुम सुपर मॉम बन चुकी थी, तो वो आप चुटकियों में चीजें कर लेते हैं। वो कहते हैं ना जैसे अभी तुम लोग कहते कि हाय टायरिंग होगा, यस नहीं होगा रियली, जब तुम लोग जिंदगी में सेट हो जाओगे, जब तक जोड़ों में दर्द है जोड़ों में जान है तब तक आप कर रहे हो, जब बच्चा पैदा करते हैं आप जवान होते हैं, क्यों ना दिया, आप अपनी स्ट्रेंथ आप फील कर रहे होते। पुराने जमाने में नानी के मेरे 9 बच्चे थे, तो मतलब इस तरह आप अगर उसकी दादियों के इतने बच्चे, क्या वो जवान रहती हैं, उनकी स्ट्रेंथ है ये। औरत जब माँ, और फिर आप जो साइकोलॉजिकली अपने ऊपर सवार कर लेते हैं वैसे ही होता है, सब नॉर्मल होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी की लेट शादी हुई थी, वो तो माँ बनी ही लाइक लेट एज में थी, तो ये वाली सिर्फ कहावतें हैं, ये मिथ्स बने हुए हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। और बताओ तुम, मैं तो अपनी कहानी लेके बैठा हूँ। नहीं तो मिल मिल के बताएंगे ना, खत्म हो जाएगा। नहीं तो खैर माशाल्लाह, तो वो पैदा हुआ तो उसको तो 8.5 महीने तो मेरी छुट्टी थी, क्योंकि मुझे सिर्फ फीड कराना, मुझे वो प्रेशर नहीं था। और मुझे ये मेरी ये दुआ ही थी कि मैं अल्लाह मैं उसको बस फीड कराने वाली हूँ, क्योंकि ये जो वक्त उसको मिलेगा ना, ये इसके बुढ़ापे में काम जो है ना वो काम आएगा, और जो जो रिलेशनशिप डेवलप मैं दूंगी वो उसके उस वक्त काम आएगा जब वाकई ये बात है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब फिर जब हम वो ट्रिप पे गए वापस आए वगैरह, तो उसके बाद उस वक्त मुझे एक स्ट्रगल थी कि जब मैं जाऊंगी तो इसको कैसे बॉटल पे, तो मेरी सास लाइक सुपर वुमन आई केम टू द रेस्क्यू, फिर उन्हें किसी तरह से थोड़ा बहुत उल्टा लटक करके उन्होंने उसको फीडर माशाल्लाह फिर थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया। क्योंकि मैं माओं को यहाँ ये कहूँगी, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम ट्रिप पे गए, तो जब बच्चा हो जाता है ना मियाँ को बिल्कुल थोड़ा हम अभी तब से कोशिश करने नहीं हुआ। मुझे लगता है साकिब को, साकिब मुझे बूस्टअप करने के लिए कि इट्स ओके सब सही है तुम चलो, तो वो मुझे जैसे लेके गए, मतलब ही तो केयर ऑफ मी माशाल्लाह वो लेके, वरना हमेशा हम लोग हर चीज साथ करते, मतलब मुझे लगता है मैं मेहमान हूँ ट्रिप पे, रियली एंजॉय इट माशाल्लाह, कि उन्होंने कहा भाई बच्चा तुमने कर लिया बस सही है ठीक है, अब ये तोहफा है तुम्हारे लिए ट्रिप, बहुत बड़ा खाना सही टाइम पे ठीक बनती है। नहीं तो माशाल्लाह, तो हमजा इज गुड। अब 8.5 महीने के बाद जो उसको, क्योंकि 5.5 महीने में आपको थोड़े थोड़ा सॉलिड खिलाना होता है, तो मैं इसी में ही रहेगी ना, क्योंकि एक एक आज की जनरेशन की एक ने कहा कि नहीं ये 6 महीने से पहले नहीं खाएगा, मेरी माँ ने कहा नहीं बच्चा पैदा हो गया उसको खिला दो पानी खिला दो ये कर दो वो कर दो, तो इस स्ट्रगल में मैं बहुत उलझन में रही हूँ, लेकिन कोई था नहीं वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए, मुझे सारे डिसीजन खुद ही लेने थे, क्योंकि 7.5 महीने बाद सास चली गई थी वापस और अम्मी जो थी वो अपने घर में, वो इतना नहीं आ जा सकती, तो वो डिसीजन वो करने के चक्कर में मैं बहुत सी चीजें कर पाई, बहुत सी चीजें नहीं खिलाया पिलाया क्या तुमने, खिलाने पिलाने में ही सबसे ज्यादा मेरे जो शुरू के जो खुराक थी वो जब डॉक्टर के पास ही बहुत कम हम जाते थे, तो जब भी गए तो उन्होंने जब जो खुराक बताई थी उन्होंने कहा था दूध दलिया साबुदाना खिचड़ी सिरिला, तो मैं दूध दलिया साबुदाना खिचड़ी तो करती थी, सिरिला की जगह जो मेरी अम्मी की तरफ भी होता है मेरी सास की तरफ भी होता था, वो चावल जो है इसको भिगो के फिर उसको भिगो के छान के सुखा के उसको पीस देते, तो वो सिरिलैक बन जाता है, जो चावल का सिरिलैक है उसमें चीनी सिर्फ नहीं मिली हुई, तो ये मैं सिर्फ गर्म दूध में अगर डालती थी तो वो, क्योंकि वो भिगोए हुए किए हुए सारा तो पाउडर वो खीर की तरह हो गई, वो दलिया हो गया, वो सिरिलैक हो गया। अच्छा, किसी ने तुम सबने किसी ने वो जिक्र नहीं किया, मैंने अपने बच्चे को एक चीज खिलाई एवोकाडो, पहली खुराक बहुत अच्छी चीज़ एवोकाडो थी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था अगर तुम उसे बाद में दोगी ना तो वो नहीं खाएगा क्योंकि वो टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है, तो मैंने सबसे पहले उसको एवोकाडो खिलाया, यहाँ मिल जाता है आगा आगा। हाँ, लेकिन महंगा है वो। हाँ महंगा है, इत्तेफाक ऐसा हुआ मैं चली गई अमेरिका, मुझे कोई किसी का इनॉग्रेशन करने जाना था बलाज को लेके, वहाँ तो ये इस तरह केले और आम की तरह मिल रहे होते हैं, मैंने कोई अपने साथ एक पैकेट नहीं होता था मेरा, कोई बैग नहीं होता था बलाज के लिए, सिर्फ डायपर होता था वो अपने पर्स में डाल लेती थी, अब मदर फीट एंड एवोकाडो रस्ते से उठाया ठक लिया चमचे से खिलाया सिरेला की तरह जो होता है, और उससे बच्चे की ब्रेन हेल्थ इतनी अच्छी है, वेरी गुड फॉर ब्रेन, ही इज वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह। अभी तक खाता है? अभी नहीं खाता, शुरू में खिला रहा है एवोकाडो शेक, जब वो खाना खा लेगा ना जब उसको चटखारा लग जाएगा जबान पे फिर वो एवोकाडो नहीं खाएगा, तो शुरू में खिला दो। अब मेरे बड़े बच्चे खाते कि आप तो फैशन में हो गए ना एवोकाडो सैलेड,
मतलब अब यू कैन ईट इट, ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं खा सकते हो, बाद में भी आराम से। आई रियली लव इट, यू नो, एवोकाडो ऑन टोस्ट। बच्चे नहीं खाते, मतलब छोटे बच्चे अगर आप उन्हें सूजी खिला दें, सेरेलैक खिला दें या कुछ ऐसा खिला दें ना, मिठास या कोई जायका लग जाता है ना मुंह को, फिर वो उसको। अच्छा, मेरा बच्चा मीठे का शौकीन है, जैसे इसका बच्चा सब्जी का है कुछ, तो वो जो है वो दादा दादी नाना नानी पे गया है, वो दादा सब यही कहते कहते हम पे गया है, सारे डायबिटिक और सबको मीठा खाना है, तो वो उस पे होते। तो हमजा को आप कोई भी, और मीठा का मतलब है कैंडी, कोई भी चीज अगर मीठा तो आपने कहना है कैंडी है, तो वो खा लेगा, वो शौक से माशाल्लाह अच्छा खा लेता है। तो वो एक अब उस चक्कर में, क्योंकि वो मीठा खाता है तो वो नमकीन नहीं खाता, नमकीन नहीं खाता तो उसके चक्कर में बहुत सी चीज़ें वो नहीं, मुझे मीठी बिरयानी खिलाती है उसको तो नहीं। मैं फिर अब फिर इसका करते करते एक चीज़ उसकी जो अच्छी आदत है, जो शायद उसके बाबा और दादा की तरफ से भी आए, दही शौक से खाता है, दही तो इसकी वन ऑफ हिज फेवरेट मील्स इज दही पराठा। खिचड़ी जब मैं देती थी शुरू में जब खाता था, अभी कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, बेटर देन मिल्क, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो दही पराठा उसकी जो आजकल की खुराक थी 3 years old, तो दही पराठा माशाल्लाह शौक से खाता है। जो मेरी इसकी नानी जो बनाती है प्याज की रोटी, जो नॉर्मल आटे में वो प्याज डालती है, हरी मिर्च डालती है, तेल थोड़ा सा तेल घी जो भी और नमक डालती है, और बस वो भून के और वो बेलती हैं बस। तो उसमें कभी मम्मा जीरा भी डाल देती है, कभी मैं अगर घर में बनाऊँ उसमें कलौंजी डाल देती हूँ, प्याज की रोटी से जायका हो जाता है, तो वो उस तरह वो बड़े शौक से खाता है वो नानी का। किसी ने बड़ा अच्छी एक टिप दी थी, जैसे तुम लोगों ने खिचड़ी बनाई ना अपने बच्चों के लिए, दाल डाली, सब्जी डाली है, वो मुझे किसी ने कहा था मुर्गी के पंजे होते हैं जो उनकी यखनी बना के फ्रीज कर, वो मैं हमने दी जब मैं खिचड़ी बनाती थी, और वो होती है हो जाती है, एक बर्फ निकाली है आपने जो क्यूब बनाया वो डाल के, हां नहीं वो बच्चे की हड्डी के लिए बहुत ताकत अच्छी होती है। तो खिचड़ी के अंदर व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, खिचड़ी में पानी से नहीं उबालती थी मैं, यखनी से उबालती थी, मटर की यखनी अगर हमारे पास है, मैं क्या उबालती थी, अख्तर भाई उबालते थे जो बात है, तो वो मटन की यखनी से, मटन की यखनी में खिचड़ी बना दी, या चिकन की वो पंजे की यखनी में, शुरू में पंजे, फिर बाद में पंजे नहीं नॉर्मल यखनी, तो उसमें करके सब्जियां नहीं डाली, गलती हो गई, अगले वाले में इंशाल्लाह याद रखूंगी। तो उसमें और वो रेशा मटन का या वो उस तरह माशाल्लाह वो शौक से खा लेता था विद दही। और ये जो दो चीजें इसके थ्रू मुझे लगता है, और फिर दूध, क्योंकि वो जैसे दूध नींद में ही पीता था और अंडा नहीं खाता, तो मैंने इसको अंडा दूध के अंदर डाल के मैंने दूध खा लिया। बीच में मुझे लगता था कि इसके शायद, क्योंकि ये हमेशा से ही मुझे पतला है, तो और माँ हमेशा से जैसी रही है, तो सबको यही पता था कि मैं हमजा का खाना शायद खा जाती हूँ, तो उस वजह से ना मुझे बहुत प्रेशर रहता था, क्योंकि मुझे कोई ऐसे देखता भी था ना, और बच्चे को देते थे, मैंने कहा पता है उसको, पता है कुछ गड़बड़ है। तो माशाल्लाह जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि इट इज़ ओके, ये अपने वेट पर है, ओवरवेट नहीं है, अंडरवेट नहीं है, एवरेज, जो उसका वेट होना चाहिए इस एज में वही है, इसकी हाइट उसकी एज के हिसाब से थोड़ी सी लंबी आगे पीछे थी, दूसरा शुक्र खुदा का ननियाल पे नहीं ददियाल पे किया कि जरा लंबे और पतले कंपैरेटिवली, वरना सारी जिंदगी जो है ना आप रहते हो, तो हमारी तरफ थोड़े से मोटे छोटे हैं और बाल भी थोड़े से बाद में चले जाते हैं, तो उधर माशाल्लाह है स्किन, इधर इस साइड पे स्किन और दांत बेहतर है वगैरह वगैरह। मैं यही ना, अब बच्चा आप तो अलमिया से ही बनाते हैं ना, अलमिया अच्छा वाला पीस बना रहे हैं ना, स्किन इसकी का ये इसमें ददियाल पे इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई में ना ददियाल पे जाए, साकिब पोजिशन होल्डर, फर्स्ट से नीचे नहीं आना भाई ने ना, मतलब पोस्ट आएगा, तो ये सारी चीज़ें। पर खाने को भी लेके चिकन प्रोटीन्स जो है ना वो इसकी एज के लिए बहुत ज़रूरी है अब, और मैं इसमें बहुत स्ट्रगल करती हूँ, ए माँ माँ माई। अच्छा खाली खाली तो मेरा बच्चा गोश्त रेड रेड मीट यार, जो आजकल का चिकन है मुझे तो वो भी बहुत शिफ्ट टू फिश, दिस वाज द ओनली या माय देसी चिकन जो वो ले रहा चिकन नगेट्स की सूरत। मैंने अपने बच्चे को पापलेट की आदत डाली, सोचो वो खाने में क्या खाता था, वो पापलेट खाता था। मैंने अपने बच्चे को यखनी वाला जो मटन होता है नगेट्स बना लेना, मैं एपिसोड नगेट्स नहीं उसको कांटों के साथ उसको शुरू से ही वो याद डाली। एक्सीलेंट, वो मछली खोर बच्चा था भला, आज बाकी बच्चों का दूसरों का नहीं मैं बोल रही हूँ, वो तो मुझे पता नहीं कैसे पल गए। इसके लिए मैंने ये चावल फिलिपिनोज होती थी, तो ये सब कहते थे ये मछली कैसे खा रहा है बच्चा, वो मछली इस तरह खाता था, मछली चावल, मौसली चावल, मौसली चावल और वो बिरयानी खाता था, वो निहारी खाता था, उसने ये इस तरह के खाने नहीं खाने थे, बेबी फूड वगैरह। लेकिन गोश्त जो है वो आई फील कि पुलाव में गोश्त बड़े शौक से खा लेते। मैं क्या करती थी, मोती पुलाव बनाती थी, छोटे छोटे बॉल्स बनाती थी, बॉल खाओगे
वो मोती पुलाव होते थे बॉल से मुझे कैंडी बॉल्स एक बनाती थी दादी चने की दाल का हलवा अम्मी अब दादी नानी या दादी जब भी चने की दाल बनाती तो चने की दाल अच्छे से चने की दाल में प्रॉपर घी असली वाला घी और शक्कर डाल के प्रॉपर शुगर नहीं शक्कर डाल के और उसको इतना मजे का हुआ है ना आज का प्रोग्राम काजू बादाम जो ड्राई फ्रूट्स टाइम हो गया तो उसकी भी टाइम खत्म बॉल्स बना के ना छोटी छोटी चने की दाल की बॉल्स बना के छोटी हो गई भाई हां हो गई टाइम हो गया इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले शो पे करेंगे काम बाकी सारी बातें बाकी के बच्चे और बड़े हुए पार्ट 2 के स्कूल के एडमिशंस फिर और प्रॉब्लम पार्ट 2 में पार्ट 3 वो भी एक स्ट्रगल है बच्चा मैं रजिस्ट्रेशन कराई आपने हाँ, कराई ये क्या अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता क्यों आपको नहीं पता जब बच्चा 4 महीने प्रेगनेंसी हो जाती है तो रजिस्टर कराना मैंने अभी तक रजिस्टर नहीं करा वैसे ये सच नहीं है तो है ना इसकी सच्चाई जानने के लिए अगली किस्त के लिए आप सीजन 2 प्लीज मुझे बुला लो बच्चे को एडमिशन दिलवाना है मुझे बताओ सीजन 2 आई हैव छोटे से बकवा ले रहे हैं ये लोग यहां से जा रही हैं थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस वेरी नाइस और अपने सीक्रेट्स शेयर करने का ब्रेक के बाद हम आएंगे एक और सेगमेंट के साथ कहीं आपने जाना नहीं प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हो रहा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मैंने कहा कि भाई बड़े माओ वाली घरेलू बातें हो गई जरा ग्लैमरस जरा खूबसूरती स्किन इन सब मतलब इसके ऊपर भी बात कर लें तो आपको थोड़ा सुकून आ जाए कि आज तो आप कह रही होंगी कि ये माँ 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 ही करिए निदा सारे वक्त से तो मैंने सोचा एक खूबसूरत सी लड़की को बुलाएं अपने शो पे और उससे राज पूछे उसकी खूबसूरत स्किन का जो ग्लो करती है मेकअप के बगैर भी तो आज मुझे मौका मिल गया मैंने बुला लिया जी यशमा गिल को अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप निदा जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की इतने सारे लोग मुझे मैसेजेस करते थे पूछते थे कि आप लोग इतने ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं कि मेकअप मट्टी गर्मी लाइट्स धूप तो आप लोग स्किन कैसे मेंटेन रखते हैं बाल कैसे मेंटेन रखते हैं बताएं तो मैंने कहा अब मैं सबको अलग अलग जवाब दूं मैंने निदा भाभी को कॉल की मैंने कहा निदा भाभी आपका शो तो हर कोई देखता है मुझे प्लीज बुला लो मैं अपना पूरा सामान साथ उठा के ले आई हूँ कि मैं आज बता दूँ कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ हमने शुरुआत जो करनी है आई क्यू ऑर्गेनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है शुरुआत हम करेंगे हीट प्रोटेक्शन से क्योंकि गर्मी अच्छा तो रेला आ गया सो आई विल टेल यू सो दिस इज अ ब्रांड दैट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग रिसेंटली और आप यकीन करें निदा भाभी क्योंकि मैं खैर शुरू करती हूँ शुरू मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँगी लेकिन एक होता है ना कि कोई एक एक चीज का एक ही पर्पज हो इसकी हर प्रोडक्ट के ना मल्टीपर्पजेज हैं मैं आई स्टार्ट फ्रॉम द हीट प्रोटेक्शन क्योंकि आजकल गर्मियां हैं धूप है लोगों को बहुत होता है कि सन ब्लॉक लगाना है हीट प्रोटेक्शन सीरम एक तो आप देखें कि इसका साइज कितना अच्छा है कि मैं छोटू सा मैं अपने बैग में हर जगह लेके जा सकती हूँ 5 to 6 आवर्स तक ये काम करते हैं बट इसका सिर्फ सन ब्लॉक वाला हिसाब किताब नहीं है कि आप लगा लो और आप बाहर चले जाओ और आपको ये सिर्फ धूप से बचा लेगा या आप घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं जब आप चूल्हे के सामने काम कर रहे हैं जब आप कोई कपड़ा इस्त्री कर रहे हैं तो हीट से आपको बचाने के लिए उसमें भी इट हेल्प्स तो वैसे ही गर्मी लग रही होती है घर में पसीने आ रहे होते हैं तो हमारा गर्मियों में ये बहुत मसला होता है ना कि धूप है उसकी सन ब्लॉक के साथ जो है जब आप घर से निकलते हो आपकी पिगमेंटेशन कंट्रोल होती है आपके पोर्स जो है बेहतर रहते हैं आपको टैनिंग नहीं होती सो दिस इज व्हाट आई यूज फॉर एज अ सन ब्लॉक एंड उसके हीट प्रोटेक्शन के लिए गर्मियों में ओपन पोर्स भी हो जाते हैं ना फिर मैं उधर ही आ रही थी मेरा ओपन पोर्स का बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि ऑयल भी आता है हमारी स्किन पे हम करते हैं तो हाँ तो उसके लिए ओपन पोर्स के लिए ये रहा पोर्स रिड्यूसिंग टोनर हर फेस वॉश के बाद अगर आप इसे लगाएंगे क्योंकि जब भी आप फेस वॉश करते हैं ना अपना तो आपके पोर्स वैसे भी खुलते हैं हर फेस वॉश के बाद आपको अपना टोनर यूज करना चाहिए उसको पोर्स को वापस बंद करने के लिए इससे सिर्फ मेरे पोर्स बंद नहीं हो रहे मैंने नोटिस किया है कि एक्चुअली रिडक्शन भी आई है उनके साइज में स्किन टाइटन लगती है ग्लो करती है ये जो है पिगमेंटेशन के साथ भी हेल्प करता है ये वाला टोनर उसके अलावा जो मेरा बहुत बड़ा मसला रहता है गर्मियों में वो है ऑयल फेस पे तो ऑयल कैसे कंट्रोल करते हैं मेरा फेवरेट जो है इसमें बीच में कहाँ क्या ऑयल कंट्रोल हाँ ग्रीन क्ले ऑयल कंट्रोल फेस मास्क है इनका जो मैं हफ्ते में 2 to 3 दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ और आप यकीन करें पूरे हफ्ते के लिए मेरे फेस से जो एक्सेसिव ऑयल होता है ना वो चले जाता है मैं मेकअप करूँ मैं गर्मियों में शूट कर रही हूँ मैं लाइट्स के सामने शूट कर रही हूँ पहले लास्ट ईयर जब तक मैं ये नहीं यूज़ कर रही थी सो मुझे हर अपने सीन के बाद ना टचअप कराना पड़ता था बिकॉज नोज पे इधर ऑयल आ जाता था बट दिस इज़ अ लाइफ सेवर फॉर मी तो ये मास्क है तुम लगा लेती हो लगा लेती हूँ उसका सीरम टाइप थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर है बहुत एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है
एक्नी भी कंट्रोल करता है ये, टैन भी हटाता है. तो इसके भी वही मैंने जो बात की कि जो आई क्यू ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई एक इस्तेमाल नहीं है, उनके ये मल्टीपर्पजेज हैं. अच्छा देखो छाइयाँ हो जाती हैं लोगों को, खासतौर पर गर्मी में, ये जो तुम बता रही थी अभी कि ये सीरम लगाए हो, जब आप चूल्हे के सामने भी होते हैं आप बार बार अपने हाथ से यहाँ साफ करते हैं, ये हिस्सा आपका अलग हो जाता है, ये हिस्सा अलग हो जाता है, बिल्कुल एक पिगमेंटेशन जो आ जाती है. तो पिगमेंटेशन के लिए भी है मेरे पास, ये रहा मैजिकल फेस मास्क फॉर पिगमेंटेशन. इसको भी यही है कि वैसे तो मैं, मेरा तो बस चलो मैं रोज़ इस्तेमाल कर लूँ, बट मैं एक हफ्ते में दो दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ. इसका डिसकलरेशन के लिए बहुत अच्छा है. उसके अलावा ये एक्स्ट्रा एक ग्लो, और एक तो होता है ना कि आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करो फिर गुड 3-4 वीक्स तो उसके बाद आपको इफेक्ट आना शुरू होता है. आप ये एक बार लगाओगे ना एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप फील करोगे एक डिफरेंट ग्लो. एज क्राइटेरिया है कि वैसे ये लोग, इन लोगों का कोई एज क्राइटेरिया एज सच नहीं है, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया था तो दे प्रेफर कि 10 साल से लेके 50 ईयर्स तक के लोग जो है वो प्रोडक्ट्स यूज किया करें. सो दैट, तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं ना, मतलब बालों के ऊपर भी तो बताओ. बालों पे हमें, हमारे बालों पे इतनी हीट लगती है और इतना ज़्यादा जो है कलर होता है, कभी ब्लो ड्राई कभी स्ट्रेट कभी कुछ, तो ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है. सबसे पहले तो मैं ऑयलिंग ही रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक भी है, हमारे एक नेचुरल फीड है हमारे स्कॉल्प के लिए. तो ये वाला जो इनका ऑयल है, इसके साथ की एक चीज़ मिसिंग है जो इसके अंदर सिरम मिक्स करना होता है, वो था नहीं तो मैं ला नहीं सकी साथ. बट ये 12 जड़ी बूटियों से बना है और इसके अंदर आप सीरम के 3-4 ड्रॉप्स मिक्स करो, हफ्ते में आप 2 दफ़ा लगाओ, आपके बाल स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, आपकी जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है और डैंड्रफ का इशू बहुत मेरा रिजॉल्व हुआ है इससे. सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़ फॉर माय हेयर. आई विश आई कुड शो यू गाइस दिस सीरम एज वेल जो इसके साथ डलता है अंदर, लेकिन वो आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं. अच्छा गर्मियों में एक और चीज़ होती है, होता है कि आपको गर्मी लगती है, आप दिन में 3-3 दफ़ा भी नहा लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, स्कैल्प और बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं. ये बहुत बड़ा इशू है कि बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, एंड्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं. उसके लिए और यू लोग तो ना लाइक इतने बड़े बड़े मास्क साथ रख रहे होते हैं बाल के, मतलब कंडीशनर अलग से लगाओ, शैम्पू अलग से करो, फिर मास्क अलग से करो. आई टेल यू, इनके पास एक बहुत अच्छा कंडीशनर है जो कि लीव इन कंडीशनर है, ये रहा. तो इनकी बॉटल्स इतनी क्यूट हैं, आप देख रहे हैं इनकी पैकेजिंग हर चीज़ से कितनी क्यूट है. सो दिस इज़ अ लीव इन कंडीशनर, आपने कोई 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है वंस यू वॉश योर हेयर. उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मैं ब्लो ड्राई भी करूँ या मैं स्ट्रेट भी करूँ, कुछ भी करूँ, एक एक्स्ट्रा शाइन आती है. बाल पहले से ज़्यादा मेरे मजबूत मुझे लगते हैं, मेरे बालों में वॉल्यूम नहीं थी. आप यूजुअली जब कंडीशनर वगैरह लगाते हो तो वॉल्यूम किल हो जाती है, इससे वॉल्यूम भी किल नहीं होती और मेरा जो स्कॉल्प है वो ऑयली नहीं करता. वरना आप कंडीशनर वगैरह छोड़ो बालों में तो वो ये है कि या तो बहुत ऑयली हो जाते हैं और आप नहीं लगाओ तो फिर ड्राई रहते हैं. दिस बैलेंसेस दैट आउट फॉर यू. ओके, सो दिस इज द लीव इन कंडीशनर. रात को जागती हैं आप तो डार्क सर्कल्स होते हैं, आंखें सूज भी जाती हैं, नीचे रिंकल्स भी पड़ जाते हैं, पफिनेस भी हो जाती है. उसके लिए जो है हमारे पास कैफीन सॉल्यूशन है. कैफीन बहुत अच्छा होता है आपके डार्क सर्कल्स के लिए. कहते हैं ना पत्ती को रख दो फ्रिज में, तो ठंडी, और क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो ये बिल्कुल इनका वही, आप समझे कि आप पत्ती ही रख रहे हैं बस, थोड़ा इजी तरीके से. हाँ वरना उसमें सुस्ती होती ना, ये रखा हुआ है बिस्तर के पास, उठाया और जी लगा लिया झटक. तो बस रात को फेस वॉश करके मैं, बिकॉज डॉक्टर्स जो स्किन जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जैसे कि आप हमेशा थिन से थिक पे जाएं, तो मैं तो अपना मुंह धोने के बाद सबसे पहले टोनर लगाने के बाद जो है मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ अपनी आंखों के नीचे, फिर मैं अपना मॉइस्चराइजर वगैरह जो भी है वो लगा लेती हूँ. So this is very good guys and very easy to carry as well. उसके अलावा आप क्या पूछना चाहती हैं भाभी मेरे पास? स्किन, देखो ना अब लोग दीवाने होते हैं कि हमारा जो पहले कलर था ना, जब हम यूनिवर्सिटी नहीं जाते थे, हम जब घर में बैठी थी तो हमारा कॉम्प्लेक्शन ऐसा था वैसा था. अपने बच्चों को कहानियां सुना रही होती है अम्माएं कि स्किन वापस वैसे ग्लो कैसे करे, बाहर जाके जो धूल मिट्टी की वजह से खराब हो गई या स्ट्रेस की वजह से. हमारे पास एक ग्लो के लिए भी यहाँ पे ब्राइटनिंग इफेक्ट है. बिल्कुल आपको ये रहा वाइटमिन, आपको किसे बताइए इसलिए कि मैं, मुझे रट गया है ना. विटामिन सी हमारे स्किन के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्स्ट्रा ग्लो देता है, आपके स्किन को एक बूस्ट देता है, पिगमेंटेशन भी इससे भी खत्म होती है, डिस्कलरेशन खत्म होती है. इसके 4 ड्रॉप्स सुबह शाम, अगर कहीं पे स्किन आपको थोड़ी सी लग रहा है कि मेरे ख्याल से शुरू आपको चीज़ हमेशा सिर्फ सुबह से करनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 5-6 दिन के बाद जो है आप रात पे भी ले जाओ उसको, ताकि एकदम से स्किन किसी चीज़ को रिएक्ट ना करे. वैसे तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो रिएक्शंस होते नहीं हैं, लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप सुबह में 4 ड्रॉप्स लगाओ.
After a week, आप फिर रात पे भी जाओ कि फिर रात में भी आप चार और ड्रॉप. अच्छा कभी कभार आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि आप मेकअप करो, बाजार जा रहे हो, आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो कि बस एक फ्रेश लुक आ जाए. आजकल टिंट्स बड़ी फैशन. उसके लिए मैं यही करती हूँ कि मुझे तो मेरा आई शेडो, मेरा लिपस्टिक और मेरा ब्लश तीनों चीज़ें जो है वो टिंट ही बन गया. फिंगर पे लगाओ, इस वाली पे लिप्स पे भी लग गया, इधर भी लग गया, आंखों पे भी, और तीन कलर्स के टिंट हैं इनके पास. यूजुअली टिंट्स जो हैं वो रेड में ही आए हुए हैं. दे हैव थ्री कलर्स, दे हैव ऑरेंज, क्योंकि हर किसी का कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है. बिल्कुल, उसमें अलग वॉर्मथ के साथ. बिल्कुल बिल्कुल, यू गॉट दैट राइट. सो दिस इज द ऑरेंज वन, देयर इज अ चेरी वन एज वेल, दिस इज ब्लैकबेरी दो, एंड दिस इज पिंक. अच्छा हाँ, सो इनका जो ब्लैकबेरी है वो पिंक इफेक्ट देता है, चेरी वाला जो है वो थोड़ा सा डार्क मरून इफेक्ट देता है, और ये वाला जो है वो हल्का सा जो डस्टी लुक है जिनका सामने वो उनपे जो है वो ऑरेंज वाला यूज कर सकते हैं. और ये 24 आवर्स के लिए लास्ट करता है, वरना तो आपको बार बार लगाना पड़ता है ना टिंट, लिपस्टिक या कुछ भी हो. ये तो मेरी उंगली से भी नहीं उतर रहा होता, मैं कहती हूं. ओके, सो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, दैट इज वन ग्रेट थिंग. अच्छा, मैंने देखा हमेशा तुम अपने वेट के लिए बड़ी कॉन्शियस रहती हो, खाने की शौकीन हो, वेट चढ़ता है, एक्सरसाइज भी, जिम भी करती हो, और तुम्हारा पेट भी बिल्कुल, मैं देख चुकी हूँ अपनी फिल्म के गाने में, माशाल्लाह. अच्छा, मेंटेन किया है, उसके लिए तुम क्या करती हो? रिसेंटली मुझे काफी लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि यशमा ऐसा लग रहा है तुमने वेट लॉस किया है, तुम थोड़ा कम हुई भी हो. मैं पिछले लास्ट वन मंथ से इनके चिया सीड्स यूज कर रही हूँ. निहारमू मैं दिखा भी देती हूँ. निहारमू मतलब सुबह खाली पेट पूरी रात आप इनको पानी में भिगो के रख दो. सुबह आप नाश्ते से पहले पानी, उस पानी के अंदर 2-3 लेमन के जो है ड्रॉप्स मिक्स करके आप इसको पी लो. एक महीना हो गया हालांकि मुझे, बट आई कैन ऑलरेडी फील द डिफरेंस. माय मेटाबॉलिज्म इज फास्टर, मुझे क्रेविंग्स मेरी कंट्रोल हो रही हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती. हाँ, बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो बेटर हैं. क्या कहते हैं, उसके अलावा ऑफ कोर्स जब आपका ये अंदर का सिस्टम बेहतर होता है तो स्किन पे भी उसका असर मजीद बेहतर आता है, और एक अजीब सी एनर्जी भी मुझे फील होती है. आई डोंट नो, मुझे इसके पीछे साइंस पढ़नी पड़ेगी कि क्या है, लेकिन जब से आई स्टार्टेड हैविंग दिस, मैं पहले अगर दिन में 5 मील्स खाती थी ना, तो अब मुझे 4 दफा भूख लगती है, और वो भी कम कम, मतलब मैं बहुत फुल फील करती हूँ इसके इस्तेमाल के साथ. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार, वैक्सिंग के लिए हमें तो कुछ भी कर लो सैलून जाना पड़ता है. सैलून बंद हो जाते तो हम कहते हैं क्या हो गया हमें, मतलब हम अंकल लगने लगे हैं कोई, है ना. बिल्कुल, मैं उसका भी आपको बता रही हूँ. अच्छा, निधा भाभी को पहले से पता था, लगता है कि मैं क्या ला रही हूँ, मेरे लिए सवाल लगा के बैठी हुई है निकाल के, वरना मैंने बताना था खुद कि मेरे प्रॉब्लम्स का हल कहाँ, किन चीज़ों में. अच्छा, सो दिस इज देयर पील ऑफ वैक्स. पाकिस्तान में ये पहली वैक्स है जिसके साथ आपको वो कपड़ा या पेपर यूज नहीं करना पड़ता. सो यू डोंट हैव टू गो टू अ सैलून स्पेशली. आप इसको 2-3 मिनट के लिए अपने घर में माइक्रोवेव में गर्म करो, एक फिंगर के साथ आप इसको आराम से लगाओ, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको पील ऑफ कर लो. खुद आप अपनी मदद आप कर सकते हो. इससे टैन भी उतरता है, मैंने जो नोटिस किया है, मुझे बताया भी गया था. मैं बीच गई थी अभी लास्ट संडे, उसके बाद फिर मैंने, मेरे बालों की ग्रोथ तो नहीं थी, लेकिन मैंने कहा मुझे टैन रिमूव करने के लिए मैं देखती हूँ, लगाया और मेरे पूरे बाजों से टैन निकल गया. तो देखिए. और अच्छा, अब ये तुमने सारी प्रोडक्ट्स तो बता दी, अपने राज भी शेयर कर दिए, ऑर्डर कैसे करें लोग, तुम्हें तो फोन नहीं करें ना. नहीं, अच्छा, सो दे हैव अ वेबसाइट IQ Organic Solution.pk, ऑनलाइन है. आप जाएं और मैं बल्कि देखती हूँ मैंने इनके इतने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, हो सकता है कि कोई, आई थिंक नीचे स्क्रीन पे भी चल रहा होगा. हो सकता है कि ये लोग मुझे कोई डिस्काउंट भी ऑफर कर सकें उन लोगों के लिए जो मेरे नाम IQ Organic Solution.pk है वेबसाइट एड्रेस. और डिस्काउंट क्या ऑफर हो रहा है भाई, हो सकता है दे दे. अगर मैं इतना सब कुछ ऑर्डर करती हूँ, मैंने ऐसे बताया भी आके, तो मेरे फैंस को मुझे लगता है थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है ना. कोई डिस्काउंट कोड वगैरह बता दें, मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी. हाँ, आप लोग देख लीजिएगा और हो सकता है मजीद डिस्काउंट मिल जाए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो जी, ये थे आज की आज का प्रोग्राम. थैंक यू यशमा, आपका शो पे आने का और अपने राज हमसे शेयर करने का. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आप दुआ करें मेरी वो जो अंगूठियाँ चोरी हुई हैं. अंगूठियाँ चोरी हो गई? हाँ, बताऊँगी तुम्हें शो के बाद, वो मिल जाए. बस एक किसी भी बड़े बुजुर्ग की दुआ मुझे लग सकती है. तो जी, दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.